विजिबल है है ना सबको ऑप्शन ऑप्शन ठीक सो माय नेम इज विजय त्रिपाठी एंड टुडे वी विल डिस्कस हंड्रेड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन इन प्रीलिम्स सो इट इज नॉट दैट द क्वेश्चन एज इट इज विल बी आस इन द प्रीलिम्स बट सम समॉपिक समवेयर अराउंड इट सो दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बट टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज कुछ इसमें से करेंट में था कुछ इम्पॉर्टेंट रहता है जनरली ठीक है एंड अपार्ट फ्रॉम दीज हंड्रेड क्वेश्चन आई ऑल्सो टेल यू सम्पोर्टेंट एरियाज विच यू हैव टू कवर बिफोर द प्रस एग्जामिनेशन ओके सो इसमें ऐसा करते हैं कि दो दो ग्रुप चार लोग हैं दो दो ये दो ये कर लीजिए ग्रुप ठीक है और आप लोग क्या कीजिए कि यू टेल मी द आंसर और हम लोग मार्क करते चलेंगे आंसर ठीक है तो डिस्कस कर लीजिए ग्रुप में चलिए एक और आ गए तो अब तो ठीक <laughs> है चलिए तीन दो का ग्रुप बन जाएगा ठीक तो क्योंकि देखिए प्रिलिम्स में प्रिलिम्स में व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको शायद आप आए थे पिछली क्लास में है ना तो पिछली क्लास में मैं बता भी रहा था कि इन वन ऑफ द प्रिलिम्स मेरा वो चप्पल टूट गया था प्रलम्स का इम्पोर्टेंस क्या होता है जैसे जिस समय कॉन्फिडेंट रहते हैं तो उस समय नहीं आता भी क्वेश्चन सही होता है एंड इन वन ऑफ माई जो है चप्पल टूट गया उसके बाद इतना नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर आ गया कि सेंटर पे गए हैं चप्पल नहीं पहने खाली पर जा रहे हैं अजीब लगता ना देख के उस साल मेरा प्रलिम्स में क्या हुआ था कि मेरा कम नंबर आया था प्रम्स क्लियर हुआ था लेकिन नंबर कम आया था तो सब कुछ पढ़ाई भी उतनी थी इवन ज़्यादा थी पढ़ाई लेकिन वो कॉन्फिडेंस अगर आपका लूज हुआ प्रिलिम्स एग्जामिनेशन में क्योंकि तो बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है कि जो यहाँ के जो ओपन टेस्ट होते थे पहले ओपन टेस्ट में 180 मार्क्स 190 मार्क्स जाके सेंटर पे देते थे एंड दे आर जेनविन मतलब कॉपी नहीं करते थे एंड दे फेल टू क्लियर प्रिलिम्स क्योंकि उस दिन क्या आपका माइंड रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको बढ़ाने के लिए इसको माइंड पॉजिटिव करने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना आपको ये लगेगा कि आई हैव स्टडीड ऑल दिस थिंग्स एंड पेपर अच्छा जाएगा अगर कहीं से भी गैप रहेगा ना वो फिर बार बार वहां जाने पे क्या लगता है कि यार वो टॉपिक कुछ पढ़ा नहीं उस टॉपिक से पूछ लेगा तो क्या होगा होता है ना ऐसा तो आप क्या कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा इस समय हार्डवर्क आप कर सकते हैं पंद्रह सोलह दिन में उतना कीजिए वो बहुत इफेक्ट करेगा आपको लास्ट फिफ्टीन डेज बहुत ज़्यादा दस पंद्रह नंबर बढ़ाएगा आपका ठीक सो विल रीड द क्वेश्चन मीन्स आप लोग तो पढ़े होंगे भी ये सब ठीक है टॉपिक्स तो पढ़ेंगे एशियट इंडिया मिडवेल है ना तो तीन दो का ग्रुप है आप क्या बोलते हैं आप क्या बोलते हैं अगर तो एक कोई ऑप्शन कॉमन लगा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक है तो ऐसे ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक तो पर्सनालिटीज़ इन इंडियन हिस्ट्री वर कंटेम्प्रेज ऑफ वर्धमान महावीरा वर्धमान महावीरा यू नो ऑल अबाउट सो अजय शत्रु बिंबिसारा मकाली घोसला चंद्रगुप्त मौर्य ए वन टू थ्री वट यू से रैंडम गेस भी अगर करना है गेस लॉजिकल गेस भी कर सकते हैं थोड़ा सा सोचिए इसमें कैसे अप्रोच करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को हम्म ए ए अजय शत्रु सारा अजय शत्रु इनका बेटा था सारा का है ना हरियंका डायनेस्टी मकाली घोसला का सेक्ट फाउंडर ऑफ द अजीव का सेक्ट, सेक्ट हम्म अजीविका सेक्ट का वो बेसिक थीम क्या है प्रेमाइस क्या है बेसिक फिलोसफी अंडरलाइंग फिलोसफी ऑफ अजीव नियति मीन्स प्री डिटर्मिनेशन एवरीथिंग इज प्री डिटर्मिन सब कुछ पहले से तय है जो होना है जो होना है वो होगा ठीक है सो दीज थ्री वर कंटेम्प्रेरीज ऑफ वर्धमान महावीरा चंद्रगुप्त मौर्य केम ऑलमोस्ट हंड्रेड्रेड हंड्रेड फिफ्टी ईयर्स आफ्टर दिस ठीक है तो इसमें क्या है कि आपको मकाली घुसला का क्या है कि ये डिबेट भी होता था इन लोगों में दे यूज टू डिबेट मीन देयर यूज टू बी डिबेट बिटवीन जैना एज वेल एज आजीव का बुद्धिज्म वर्सेज आजीव का वर्सेज जैना जैना वर्सेज बुद्धिज्म तो ये सब डिबेट होता था तो देट्स वाई देवर ये तो कंटेम्प्रेरी था एंड अदर शत्रु इवन मेट बुद्धा एंड महावीरा इट इज सेट डेट तो इसलिए हम लोग इसको मतलब ये आसान क्वेश्चन था ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आप इजिली कर सकते हैं ठीक है तो वन यहाँ पे कर देते हैं विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ मराठा किंगडम द टर्म बारगीट्स दिख रहा है आप सबको ना आप ठीक है बार्गिड्स सोल्जर्स हूज हॉर्सेस वर गिवन बाई स्टेट मर्सिन हॉर्समैन हू है ओन हॉर्सेस वॉटर कैरियर्स एंड फेरियर्स आजकल ये टर्म बहुत पूछता ना मिडवल इंडिया का कोई एक टर्म पूछ देगा तो यू शुड बी अब ये तो कोई गेस्ट नहीं कर सकता कौन सा टर्म पूछेगा बट फिर भी बी मर्सनरी हॉर्समैन हुआ टू फाइंड हॉर्सेस तो, तो ए क्यों नहीं हाँ <laughs> ठीक है जैसे इसमें सिलेदार और बार्गिर्स जो कैवलरी होता था उनका सबसे लोवेस्ट रैंक जो होता था सिलेदार एंड बार्गिर्स सिलेदार यूज टू फाइंड यर ओन हॉर्सेस स्टेट तो शिलेदार एंड बारगिड्स मराठा कैवलरी के लोएस्ट रैंक में होते थे ठीक है अभी आपका एंशियंट मिडवल और मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर रिवाइज है ना एक बार एक बार तो पढ़े हैं रिवाइज नहीं है अभी पढ़े हैं रेफरेंस टू विजय नगर एम्पायर कंसिडर द फॉइइंग स्टेटमेंट्स विजयनगर एम्पायर इज इम्पोर्ट इन जनरल फिल्म के लिए विजयनगर एम्पायर का आर्किटेक्चर उसका जो स्टेट टेक्चुअल रेफरेंसेज इस समय मिले हैं फॉरन ट्रेवलर्स सो दीज थ्री थ्री फोर थिंग्स इज इम्पोर्टेंट और वेमेन का रोल विजयनगर एम्पायर में ठीक है तो तेनाली रमा वॉज वन ऑफ द अस्ट दिग्गजा एट द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राया सही है कन्फर्म ठीक विटल्ला स्वामी एंड हजारा रामा स्वामी टेम्पल्स एट हम्पी आर एग्जाम्पल्स ऑफ विजयनगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ये तो आसान है ये सही है ये तो आसान है अष्ट दिग्गजा थे किसके कोर्ट में कृष्णदेव राय वट ऑज द पीरियड कुछ लमसम पीरियड याद है कृष्णदेव राय हाँ फिफ्टीन जीरो नाइन टू फिफ्टीन ट्वेंटी नाइन ठीक है तो इस समय अष्ट दिग्गज आठ दिग्गज हुआ करते थे ठीक इसको कहते थे एज ऑफ प्रबंध प्रबंध पीरियड या प्रबंध एज तो जो अष्ट दिग्गज का पीरियड था पीरियड ऑफ अष्ट दिग्गज इज नोन एज एज ऑफ प्रबंध एंड व्हाट इज यूनिक थिंग अबाउट विजयनगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर टेंपल आर्किटेक्चर कल्याण मंडपम यस एंड प्रोविडा स्टाइल इट वाज नोन एज प्रोविडा स्टाइल एंड आई थिंक इट वॉज आल्सो कल्याण मंडपम ठीक सो वन ओनली और टू बोथ बोथ आप लोग भी जो आपको सही लगता है वो आप टिक करते अपने उसमें लिखते जाइएगा इससे क्या है जज भी होगा कि आप क्या सही कर रहे थे बात समझ में आ रहा है रुद्रमा देवी वॉज अ मिडवल इंडियन क्वीन नोन फॉर हर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोवेस सी रिसीव द प्रेज ऑफ इटालियन ट्रेवलर मार्को पोलो वेन ही विजिटेड हर किंगडम ड्यूरिंग थर्टींथ सेंचुरी सी बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स कातिया कैसे ये पता है कि यू गेस्ट यू नो सो वेरी गुड काकातिया एंड मार्कोपोलो विजिटेड इंडिया इन अराउंड 1292 टू सी यू शुड मेक अ लिस्ट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स लाइक मैगसनीस फायान मार्को मार्कोपोलो निकोलो कुंटी इत सिंह एवरी बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपको ट्रेवलर से मतलब दो तीन साल में एक बार एक क्वेश्चन पूछता है में, तो यही सब लो हैंगिंग फ्रूट है लो हैंगिंग फ्रूट मीन्स इनपुट कम है आउटपुट इसका ज्यादा हैकातिया डायनेस्टी वहां पर किस रीजन में था काकातिया डायनेस्टी तेलंगाना उसके बाद फिर क्या हुआ हम्म खिलजी और देयर आफ्टर बहमनी सल्तनत आया तो उस समय गोलकोंडा था है ना गोलकोंडा गोलकोंडा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रम्स मीन्स बहमिनी किंगडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस फिल्म बहमिनी किंगडम आर्किटेक्चर बहमिनी किंगडम पेंटिंग तो दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट क्योंकि जब आप रिवाइज करेंगे तो बुक टू बुक रिवाइज इस बार होगा अगली बार क्या होगा इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ेंगे तो बहमिनी किंगडम जरूर पढ़ लीजिएगा और एटीन सेंचुरी इंडिया ये सब अभी बताएंगे आप द गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब्ड इन मंडासोर इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमार गुप्ता वन वॉज नोन एज तंतुआया दंतकारा कुलिका तलिका तैलिका वॉट इज गिल्ड गिल्ड क्या होता था हाँ सॉर्ट ऑफ यूनियन मतलब एक यूनियन होता था आर्टिजन का यूनियन होता था एंड दे यूज टू फॉर्म अ क्लोज ग्रुप अमंग देम जैसे अगर कोई सिल्क वीवर है, है ना तो वो क्या करेगा एक क्लोज यूनियन बना लेगा अपना उस क्लोज यूनियन में ही वो टीचिंग देगा वो सिखाएगा आर्ट ठीक है तो ये गिल्ड एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था एशियट इंडिया का गिल्ड ठीक है गिल्ड और मंडासोर इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमार गुप्तावन तो इन्फॉर्मेशन क्या है कि कुमार गुप्तावन का इंस्क्रिप्शन कहाँ है मंडासोर में है इट टॉक्स अबाउट गिल्ड और गिल्ड वॉस तंतुवाया तंतुवाया एक गिल्ड था उसके बारे में बेसिकली यहाँ पे क्या था कि गिल्ड क्या करते थे कि दे यूज़ टू लेंड मनी या दे यूज टू डोनेट मनी टू एनी पायस एक्टिविटी तो जैसे तेल भरना है अगर मंदिर है उसमें दिया जलता था एंड दे यूज टू डोनेट ऑयल तो अगर वहाँ पे तेल डालने की जिम्मेदारी है तो किसकी जिम्मेदारी होगी वो किसी एक गिल्ड को दे दिया जाता था तो बार बार वो लोग उसमें तेल भरते थे उसका पूरा खर्चा उठाते थे जैसे आज नहीं सी एक्टिविटी होता है सॉर्ट sort ऑफ of वैसा ही था ठीक है तो गिल्ड के बारे में अगर पूछेगा तो गिल्ड एंशियट इंडिया में इसको निगम भी कहते थे निगम और गिल्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्लोज निट ऑर्गेनाइजेशन होता था दे यूज टू इंपार्ट एजुकेशन ऑल्सो टू द यंगर फेलोज और दे ऑल्सो हैड सम पोलिटिकल पावर एंड दे ऑल्सो इशूड कॉइन्स तो निगम कॉइन्स भी निकलते थे ठीक है तो तीन चार इंफॉर्मेशन ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग पूना पैक्ट तो पूना पैक्ट क्या था किस लिए फॉर इशू क्या था रिजर्वेशन एंड रिजर्व सीट जो था सेपरेट इलेक्ट्रेट जो था सेपरेट इलेक्ट्रेट कौन दिया था है ना मैकडोनल्ड अवार्ड सेपरेट गिव सेपरेट इलेक्ट्रेट एंड गांधी वाज अगेंस्ट इट सो ही तो वो उस समय कहाँ पे थे जेल में थे है ना तो जेल में ही फास्ट इनटू डेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग पूना पैक्ट इट एश्योर्ड अ फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास इन पब्लिक सर्विसेस इट वॉज सॉट टू अमेंड द कम्युनल अवार्ड विच गेव सेपरेट इलेक्ट्रेट टू डिप्रेस क्लासेस इट वॉज रिजेक्टेड बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ऑप्शन से आपको जैसे इसमें सबसे अच्छा सही ऑप्शन कौन सा लगा आप तक सेकंड सबसे सही लगा वन टू टू मीन डी एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग अभी अब बचा हमारा टू थ्री टू वन टू ये लास्ट वाला ऑप्शन सही लग रहा है कि गलत लग रहा है क्यों

विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ कालिदास इज आर कंसिडर्ड एज ड्रामा मालविका अग्निमित्रम विक्रमोवर्षी कुमार संभव रघुवंशा वन थ्री फोर वन टू ड्रामा पोएम अलग था उनका और ड्रामा अलग था ना तो मेजोरिटी किसके साथ जाना चाहती है वन टू आप वन टू वन टू तो ये क्वेश्चन आप करते कि छोड़ देते ये भी तो डिसाइड करना ना हम लोग को ये क्वेश्चन छोड़ना था हाँ देखिए जब भी कोई ये तो आप पढ़े होंगे नाम तो सब पता होगा ना यही यू हैव स्टडीड ऑल दी थिंग्स बट स्टिल देर इज कन्फ्यूजन सो वन गोल्डन रूल फॉर फिल्म अगर जो टॉपिक आप पढ़े हैं एंड देर इज कन्फ्यूजन इन दैट टॉपिक तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए वो आपका नाइन्टी गलत होगा क्वेश्चन चाहे पॉलिटिक्स से हो चाहे इकोनॉमिक्स से हो अगर उसमें कन्फ्यूजन हो रहा है अगर आप पढ़े हैं आपको लग रहा है ना कि ये सब पढ़ा हुआ है हाँ तो ये टॉपिक तो पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो लीव इट तो वन टू पे करें आप लोग के लिए ठीक है अभी करेंगे डिस्कस सारा देखेंगे ठीक फ्रांसिस्को डी एलमीडा कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम रूलर ऑफ बीजापुर देख लीजिए इसको क्वेश्चन पढ़ लीजिए सेकंड है। कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम रूलर ऑफ बीजापुर अल्बुकर्क इनिशिएटेड द ब्लू वाटर पॉलिसी सो अपोजिट लिखा है ठीक है जनरली यूपीएससी में होता है कि अपोजिट लिख देता है ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था करता सिस्टम है ना करता सिस्टम मीन इन्फ्लुएंस ऑन द जो ओशन है इन्फ्लुएंस ऑन द ओशन मींस पोर्टुगज की पॉलिसी क्या थी दे वुड हैव इन्फ्लुएंस ऑन द ओशियन रादर दैन ऑन लैंड सो एक लीजिए टोल टैक्स टाइप का था कि वहां से कोई भी गुजरेगा तो एक अक, इवन अकबर यूज टू पे टोल टू पोर्टूगीज तो ये इन्फ्लुएंस था उनका तो यहाँ पे क्या है दोनों गलत है ना और बीजापुर किसका ऑप वो था किस एम्पायर का सक्सेसर था या किस बहमनी hmm? किंगडम है ना बीजापुर गोलकोंडा बिरार बिदार अहमदनगर विद रेफरेंस टू बेगम हजरत महल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इज बहुत ईजी क्वेश्चन है देख लीजिए हम्म hmm? हाँ तो बहुत ईजी क्वेश्चन लेकिन बाकी ये भी एक बार पढ़ लीजिए ये इन्फॉर्मेशन ठीक है ये ही है ठीक वाजिद अली शाह जो है वाजिद अली शाह है ना तो लास्ट नवाब ऑफ अवध बोला जाए तो कौन होगा वाजिद अली शाह यही तो 1857 में है ना जब छोड़ चले लखनऊ नगरी एक इस पे पोएम भी लिखे थे वो कि जब छोड़ चले लखनऊ नगरी क्या कहें हाल हम पे क्या गुजरी बहुत दुखी थे वो लखनऊ छोड़ के तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन ये है कि इस एटीन फिफ्टी सेवन रिवोल्ट को एक इवा बार आप गोथ्रू हो लीजिएगा उसको ठीक है द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट वैशाली डूरिंग द रेन ऑफ अशोका कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था अशोका के रेन में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र किस अराउंड टाइम क्या होगा नो नो नॉट थ्री हंड्रेड नो नॉट फर्स्ट सेंचुरी फर्स्ट सेंचुरी बी सी दो फर्स्ट सेंचुरी बी सी का पीरियड कहाँ से कहाँ तक होगा Means if we say first century BC, then from which year to which year we are talking about? First century BC, zero, zero, 0 to 100 BC, 0 to 100 BC is first century BC, 100 to 200 BC is second century BC, 200 to 300 BC is third century BC, and Ashoka ruled during 3rd century BC means 200 to 300, so around 250, 3rd Buddhist council and what was the important thing about the 3rd Buddhist council, Abhidhamma Pitaka. Hmm. And what is Abhidhamma Pitaka is about? How? And what is, uh, how many Pitakas are there in Buddhism, which one? And Sutta Pitaka is about? फिलो वॉट टीचिंग्स ऑफ बुद्धा सुत्पितिका सेकंड इज विनय पितिका इट इज अबाउट रूल्स विनय विनय है ना कंट्रोल विनय ठीक विनय थर्ड इज अभिधम्य पितिका सो फर्स्ट एंड सेकेंड पितिका वॉज कंपाइल्ड ड्यूरिंग फर्स्ट बुद्धिस् काउंसिल एंड अभिधम्य पितिका इन लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल मीन्स थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल सो द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट वैसाली ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका इट इज रॉन्ग The stone portrait of Ashoka is found, uh, found at Kanagan Hali. It has been asked in UPSA prelims, I think uh, 2018 or 19. Means not exact this question, but the information was asked. Hmm? Stone portrait, ki uh, 250 BC. such a modern architecture, art and architecture. तो मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के टाइम पे क्या क्या था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट के विच केव बराबर एंड नागार्जुन हिल्स तो केव एंड व्हाई ही एक्सकेटेड दोच केव्स फॉर विच सेक्ट आजीविका सेक्ट ओके सो ये तो एक स्ट्रक्चर हो गया केव स्ट्रक्चर इस इमर्ज हुआ था कि नहीं इस कल्चर वॉज देयर सो इट वॉज इट इज पॉसिबल डेट नागन हल्ली में बन सकता उसका और मॉडर्न आर्ट का बहुत प्रोमिनेंट चीज क्या है पिलर्स व्हाट इज यूनिक अबाउट दो पिलर्स मींस द डिफरेंस बिटवीन अकेमिडियन पिलर्स एंड मॉडर्न पिलर्स मोनोलिथिक हाईली पॉलिस्ड एंड मोनोलिथिक ठीक है ये सब तो ये पॉसिबल है और ये कनागन हल्ली में ही इट्स द ओनली पोर्ट्रेट ऑफ अशोका जिसमें अशोका का रेफरेंस है रान्यू अशोका करके लिखा है तो ओनली पोर्ट्रेट एट कनागन हल्ली विच इज इन कर्नाटका ठीक है अच्छा वो जो और ये बताइए इस समय केव आर्किटेक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ द डेवलपमेंट ऑफ केव आर्किटेक्चर अगर एक थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करें तो अशोका के टाइम पे मोर ओवर स्टार्टेड द केव आर्किटेक्चर अशोका के टाइम पे शुरू हुआ देर आफ्टर क्या क्या हरवेला का उदयगिरी खंडगिरी केव फॉर बुद्धिज्म और जैन जैना केव एंड जो मुंबई का एरिया महाराष्ट्र का रीजन है वहां पे बहुत ज्यादा केव, केव बिल्डिंग एक्टिविटी हुई बेस् केव अजंता एलोरा है ना तो एलिफेंटा केव तो ये सब क्या है वहां का केव आर्किटेक्चर है एलोरा केव इज कंसिडर्ड एज अ लास्ट फेज इन द बुद्धिस्ट केव आर्किटेक्चर डेवलपमेंट एलोरा एंड वॉट इज केव इज डेडिकेटेड टू विच रिलीजन जैनिज्म बुद्धिज्म एंड है ये क्वेश्चन नंबर टेन आ गया अच्छा हाँ द इानियन रूरल डेरियस डेयरियास इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका हम्म अच्छा ये फैक्चुअल factual, फैक्चुअली आपको पता है कि कंसेप्चुअली हाँ इन्विजन नहीं बता ऐसे इसका क्या एविडेंस अगर इफ यू पी एस सी आस द एविडेंस देर वॉज नो इनविजन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका कुछ ऐसा एविडेंस है जैसे अशोका का जो पिलर था पिलर तो इट वॉज ऑल्सो फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है ना तो अगर अशोका का पिलर इज फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन देन अशोका मस्ट हैव सम अथॉरिटी ओवर दैट रीजन सो इन्विजन की पॉसिबिलिटी नहीं है सो so, डेरियस इन का सिक्स सेंचुरी बी सी के टाइम पे इन्वेदन इसका हुआ फिर मैसोडोनियन इन्वेदन किसके टाइम पे हुआ चंद्रगुप्त मौर्य अलेगजेंडर का धन अनदा वॉज द रूलर ऑफ मगधा अलेगजेंडर जब इन्वेट किया द खरोप्ट वॉज ब्रॉड टू इंडिया बाई इरानियन स्क्राइब्स सही है कि गलत सही है उस समय इंडिया में कौन सा स्क्रिप्ट चल रहा था इंडियन ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज प्राकृतन पाली ठीक पाली फर्स्ट लॉन्ग संस्कृत इंस्क्रिप्शन फर्स्ट लॉन्ग संस्कृत इंस्क्रिप्शन इज फाउंड रुद्र दमन वेरी गुड रुद्र दमन किस कंटेक्स में है इंस्क्रिप्शन वो रुद्र दमन ऑफ शाखा वेस्टर्न शट्राफ्स वन फिफ्टी सीई रेनोवेशन ऑफ सुदर्शन लेक एंड बनवाया किसने था सुदर्शन लेक चंद्रगुप्त मौर्य कंस्ट्रक्टेड आर्टिफिशियल लेक सुदर्शन लेक उस वो खराब हो गया रुद्र उसको बनवाया उसके बाद एक और इंस्क्रिप्शन मिलता है उस पर फिर टूट गया था वो स्कंदगुप्त स्कंदगुप्त ठीक है तो उस उस जगह पे तीन इंस्क्रिप्शन मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य फिर रुद्र दमन एंड देर आफ्टर स्कंदगुप्त री ऑफ वेस्टर्न सट्राफ अगर वेस्टर्न सट्राफ जो थे साका रूलर्स जो थे, इन द रीज़न रीज़न मतलब अगर रीजन उनका बोला जाए तो कौन सा होगा रीजन वेस्टर्न है तो वेस्टर्न में होंगे लेकिन अभी अगर स्टेट बोला जाए कि इस स्टेट के अराउंड गुजरात महाराष्ट्र और उनका किससे लड़ाई किससे होता था सातवाहना है ना गौतमी पुत्र ऑल तो खरोस्टी स्क्रिप्ट वॉज ब्रॉड टू इंडिया बाई इनियन स्क्रिप्ट से हुआ है तो ये सही है अलेक्स इन्वेजन ऑफ इंडिया फर्स्ट मेजर ऑफ यूरोप इंडिया इससे पहले यूरोप से कोई इन्वेट किया इंडिया में अलेक्सेंडर से पहले कोई नहीं किया है ना तो ये सही तो ये ऊपर वाला गलत हो जाएगा तो पहला गलत अगर होती तो टू एंड थ्री विद रेफरेंस टू रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन ये पढ़ी ये भी आसान क्वेश्चन है हम्म तो इसका अब आंसर बताइए आप ऐसा क्या होगा वन ओनली पक्का आप The summary settlement of 1856 was one of the reasons for participation of talukdars of Awadh in revolt of, revolt against British. So this statement is correct according to you. This statement is, first one is wrong, second one is correct. The infield rifles using greased cartridges were initially introduced by Governor General Lord Hardinge. Hmm? So actually both the statements, means this statement is correct and this statement is also correct. इन बिकॉज जब वो लॉर्ड हार्डिंगे के टाइम पे क्या हुआ था कि आर्मी का अपग्रेडेशन हो रहा था तो आइडिया जो है उस समय आया था हार्डिंगे के टाइम पे तो अगर आइडिया की, की बात करें या उस इनिशियल इंट्रोडक्शन की बात करें लार्ज स्केल पे भले इंट्रोडक्शन नहीं हुआ लेकिन पहली बार जब इंट्रोड्यूस किया गया किसके रेंज में हार्डिंगे के रेंज में ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा ये चीज ठीक जिद्दू कृष्णा मूर्ति तो दिस इज वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन यू कैन रीड इट लाइक ही वॉज असोसिएटेड विथ थियोसॉफिकल सोसाइटी इन हिज यंग डेज तो जिद्दू कृष्णा मूर्ति का आप नाम जो है ध्यान में रखिए अगर प्रिलिम्स में आता है तो यू शुड नो वन और टू पॉइंट्स अबाउट हिम लाइक ही वॉज असोसिएटेड विद थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इज यंग डेज फिर लेटर ही लेफ्ट ही छोड़ दिए वो he believed that the role of education is about preparation of for the whole life not preparation for a part of life देखने में सुनने में अच्छा लग रहा है ये इसका मतलब क्या हुआ जो नहीं करते हैं हम लोग है ना मीन्स की हाँ जैसे पढ़ रहे हैं अभी यूपीएससी के लिए तो एक पर्पज ये है यूपीएससी निकल के पढ़ाई छोड़ देंगे तो ये जिद्दू कृष्णा मूर्ति जो है एक कंटाप लगाते हैं कि ऐसे नहीं क्या करना है पूरी जिंदगी भर पढ़ना है पढ़ते रहो ठीक है यूपीएससी में घुस गए तो पढ़ते रहोगे यार ये तो है फॉर हिम ट्रूथ कुड बी ऑर्गेइज एंड अंडरस्टूड कंप्लीटली बाई फॉलोइंग राइटियस पाथ फॉर हिम ट्रुथ कुड बी ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टूड कम्पलीटली बाई फॉलोइंग राइटियर्स पाथ ये वो नहीं बिलीव करते थे ये बोलते थे ट्रुथ्स पूरा एक होल ट्रुथ जो है वी कैनॉट लर्न अबाउट द होल ट्रूथ एक पार्ट एक ट्रूथ का पार्ट हम लोग सीख सकते हैं तो ऐसे मिलता जुलता फिलोसफी किसका है जैनिज्म का वेरी गुड जैनिज्म का फिलासफी ऐसा मिलता जुलता से आद वाद है ना मे बी कि एक एलिफेंट को अगर हम छू रहे हैं तो कभी पूछ पकड़ेंगे कभी ट्रंक पकड़ेंगे तो हाँ तो वो परसेप्शन पे डिपेंड करता है ठीक विद रेफरेंस टू जुडिशियल सिस्टम ये तो आप लोगों को पता होगा इसको पढ़िए डी वोट इज ऑप्शन डी तो हमें भी नहीं दिख रहा आपको वन एंड थ्री वन एंड थ्री हम्म, अच्छा एक एक ऑप्शन पे डिस्कस करिए जैसे कोर्ट स्टैब्लिश बाई वॉरेन हिस्टिंग्स, टू ट्राई क्रिमिनल केसेस वर प्लेस्ड अंडर एन इंडियन ऑफिसर असिस्टेड बाय काजीज एंड मुफ्तीस ये सही है कि गलत है hmm? ah, क्या करे अच्छा मोहम्मद रजा खान का नाम सुने कभी मोहम्मद रज़ा खान जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ उसके बाद फिर कहा जाता है इसको स्केप कोर्ट बनाया गया मोहम्मद रजा खान को जो भी सिचुएशन ख़राब थी मोहम्मद रजा खान चीफ काजी बनाया गया था उसमें वारन हिस्टिंग शुरुआत में किया गया था वारन हिस्टिंग क्रिमिनल केसेस क्रिमिनल केसेस में कौन सा लॉ लगता था कौन सा हिंदू की मुस्लिम क्रिमिनल केसेस में मुस्लिम जो लॉ था रूल्स थे वो लगते थे और और जो सिविल केसेस थे उसमें इंडिविजुअल जो हिंदू का हिंदू और मुस्लिम का मुस्लिम ठीक है तो काजीज एंड मुफ्तीस असिस्ट करते थे और एक जज होता था वॉरेन हेस्टिंग जो है वो अच्छा ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट का डिबेट सो व्हाट वाज द कंटेक्सट ऑफ दिस डिबेट इंग्लिश एजुकेशन Medium English means the, uh, debate was about the medium or the content, not about the content of the subject matter. Means they, uh, what, what first tell me the point of Orientalist, what they wanted vernacular subjects as well as vernacular language, or vernacular subject in English language, or English subject in vernacular language, what they wanted.

स्टोरी लाइन्स है एक स्टोरी बना दी है कि इंडिया का जो प्राइमरी जो ग्लोरी था ना जो पहले का ग्लोरी था वो ख़त्म हो गया है और हम ओरिएंटलिस्ट जो हैं वी विल रिवाइव दैट ग्लोरी तो शुरुआत के जो गवर्नर जनरल्स थे दे यूज टू बिलीव इन इंडियन ग्लोरी तो एक कनेक्शन भी बनाते थे वो संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेजेज़ में कनेक्शन बना करके हमारा वो हाई करते थे कि देखो इनका ओरिजिन हाई है बट ये मिस हो गए हैं तो वी विल गाइड दैम

पूरे कलकत्ता डिवीज़न को चार उसमें बांट दिया गया था है ना हर एक जगह सर्किट कोर्ट ये मोबाइल कोर्ट्स होते थे यहाँ वहां जाके करते थे और इनका एक स, जो अपेलेट कोर्ट था वो कलकत्ता में था और वहां पे क्या करते थे गवर्नर जनरल उसको प्रजाइड करता था ठीक है तो एक सर्किट कोर्ट इसमें बना था और अबोलिश किसके टाइम पे हुआ था बेंटिक बेंटिक के टाइम पे अबोलिश हुआ था ये सर्किट कोर्ट ठीक है एंड पर्जियन वॉज रिप्लेस बाई इंग्लिश इन हायर जुडिशरी बाई चार्टर एक्ट ऑफ 1813. बताइए बताइए रॉन्ग लग रहा है ना हाँ तो ये रॉन्ग है 1813 नहीं ये बेंटिक के टाइम पे ही हुआ था कि उसमें परशियन और इंग्लिश ऑप्शन था उनके पास तो हमारा ये गलत हुआ ये गलत हुआ तो आंसर क्या होगा वन ओनली विथ रेफरेंस टू वास्को डिगामा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट नहीं था हाँ डिया पार्थिलोम एंड ही वॉज वार्मली रिसीव्ड बाई जेमोर इन द रूलर ऑफ कैलिकट वंस ही अराइव इन इंडिया कितनी बार वास्को डिगामा आया है ना बीच में फिर पहले आया वास्को डेगा कैबराल पेड्रो एलवरेस्ट कैबराल एंड थर्ड एक्सपीडिशन वॉज अगेन ऑफ वास्को वास्कोडिगामा ठीक तो इसको कहते थे गॉड ग्लोरी है ना ठीक है तो ये जो गॉड किस कंटेक्स में था है ना और ग्लोरी यूरोप में ग्लोरी चाहिए था अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा करके यूरोप में एंड गुड्स में जो रहेगा तुम्हारा वो रहेगा ही तो ये सही होगा ये ऊपर वाला गलत होगा डियाज बार्थोलेमो ये आपको भी मिलेगा मेरे ख्याल से पीडीएफ जिसमें सारा एक्सप्लेनेशन रहेगा तो जैसे ये सब इंफॉर्मेशन है जो नहीं इंफॉर्मेशन है वो बोल देंगे आप लिखते रहिएगा ठीक है टू तो लेक्स लोकी एक्ट ए, अच्छा ये कैसे तुरंत देखते कैसे नहीं मतलब देखते ही पता कैसे चले ए में है ये तुरंत हिंदू कन्वर्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी इतना ही पढ़ के हाँ हाँ प्रॉपर्टी मतलब ये पता है आप लोग को ना लेक्स लोकी एक्ट पता है आप लोगों को ना लेक्स लोकी एक्ट पास इसलिए हुआ था कि अगर कोई हिंदू कन्वर्ट हो जाता है क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियन बन जाता है देन ओनली ही कैन और ही कैन जो है अपना प्रॉपर्टीज को मिल सकता है ठीक तो ये Loke, बहुत कंट्रोवर्शियल एक्ट था इसके अगेंस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन बना था ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्मड अगेंस्ट लो की एक्ट मद्रास नेटिव एसोसिएशन लिख लीजिएगा इसको मद्रास नेटिव एसोसिएशन मद्रास नेटिव एसोसिएशन थ रेफरेंस टू कथाकली स्टेटमेंट कथाकली परफॉर्मेंस इन्वॉल्व बोथ डांस एंड ड्रामा ईजी है डांस एंड ड्रामा दोनों होता है कलासम्स इन कथाकली बेसिकली कलासम्स जो है ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है इसमें ज्यादा वन एंड थ्री इसका ऑप्शन है ये गलत क्यों है पर यह स्टेटमेंट कलासम्स इन कथाकली डांस रेफर्स टू डिफरेंट कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग हीरो एंड एंटी हीरो तो कलासम्स जो है ये कैरेक्टर्स नहीं है एक वो है एक, एक मतलब पोज है या आइडिया है उसके अंदर हीरो आते नॉट कलासम तो कलासम के अंदर बहुत सारे सात्विक रास्तिक होते हैं और उसके अंदर जो हीरोज होते हैं उनका अलग अलग नाम होता है कलासम इज नॉट अबाउट हीरो समझ में आया तो इसको आप वो कुछ बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं है सब में तो आपको बस आता है या नहीं आता ये पता होना चाहिए ठीक है द वेल नोन पेंटिंग ऑफ लेडी विद मैना बर्ड बिलोंग्स टू कुछ गैस भी करना करिए विजयनगर राजपूत राजपूत मुगल गोलकोंडा कोई नहीं क्यों बोल रहा है गोलकोंडा गोलकोंडा इज इम्पोर्टेंट गोलकों गोलकोंडा एंड बहमनी किंगडम एक ये भी तरीका हो सकता है प्रिलिम्स में जब आप फंसेंगे तो जैसे कोई चीजें न्यूज़ में रहती हैं तो इफ यू डोंट नो द आंसर तो यू कैन गो विद दो ऑप्शन विच वर इन न्यूज हो सकता वो सही हो अगर बहुत ज्यादा फंस गए हैं आप रिल्स में अब लग रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से अटैम्प्ट करना है तो अटैम्प्ट ऐसे कर सकते हैं कुछ दो तीन क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि अच्छा इट वॉज इन न्यूज सो मोस्ट प्रोबेबली यही एक ऑप्शन होगा कि ये न्यूज में था गोलकोंडा बहमिनी किंगडम इट वॉज इन न्यूज एंड जो बहमिनी किंगडम के टाइम का जो पेंटिंग है वट वॉज द यूनिक थिंग अबाउट अच्छा बहमनी किंगडम के आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा बताइए एक लाइन भी पता उसके बारे में बहमनी किंगडम आर्किटेक्चर पढ़े हैं हम्म हम्म गोल गुंबज ये सब ठीक है वैसे क्या है? उनका खास बात क्या था एक तो ये कि देवर इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम पर्शियन ट्रेडिशन सो so, अर्लियर जो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट इंडिया में हुआ फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड तो वो जो प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था वहाँ से आइडिया लेकर के अपना एक स्ट्रक्चर बनाए फॉर एग्जाम्पल अगर कुतुब मीनार तो कुतुब मीनार में कुछ आइडियाज़ हिंदू आर्किटेक्चर के भी हैं ठीक बट जो बहमनी किंगडम के टाइम पे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुआ इट वॉज नॉट रिलेटेड टू एनी प्री एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन इन इंडिया इट वॉज इन्फ्लूंस इन फ्रॉम फ्राम परशिया बहुत बाद में जाकर के इंटीग्रेशन हुआ ऐसे मुगल के टाइम पे देखिएगा तो मुगल भी पर्शिया से इन्फ्लुएंस था बट इट इंटीग्रेटेड द लोकल कल्चर बंगाल में अगर आप आर्किटेक्चर देखिएगा तो वहाँ हट शेप का बनता था बिकॉज बेंबू का हट पहले बनता था एंड डेट्स वाई हट शेप का बना ऐसे आप गुजरा प्रतिहारा का देखिए कहीं का भी आर्किटेक्चर आप देखिएगा तो वहां तो वहां आपको लगेगा कि एक प्री एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन जो था दे इनकॉर्पोरेटेड दोज एलिमेंट्स इन देयर ओन आर्किटेक्चरल डिजाइन बट

एंड उर्दू का इमरजेंस भी बहमनी किंगडम से ही हुआ गेसु दराज वन ऑफ द सूफी सेंट गेसू दराज गेसु दराज एक आ, सूफी सेंट थे एंड सेकुलर उर्दू गज़ल वाज़ आल्सो इनिशिएटेड इन गोलकोंडा तो ये सब चीज़ें अगर पूछे तो आप वो कर सकते हैं क्योंकि यूनेस्को में इसका जो इसका स्टेप इस वेल well है बहुत सारे आर्किटेक्चरल फीचर्स इसके जो यूनेस्को के जो लिस्ट आता है रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट है ना तो उसमें ये इंक्लूड होने की बात हो रही थी ठीक है गुलकोंडा फोर्ट गुलकोंडा फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई इन विच डायनेस्टी इट वॉज इट्स कंस्ट्रक्शन वॉज इनिशिएटेड काकातिया काकातिया डायनेस्टी में इनिशिएट हुआ एंड देयर आफ्टर इन गोलकुंडा जब बीजा अलग हुआ वहां से तो और उसको फिर बाउंड्री उसकी बनी और उसका फोर्टिफिकेशन कराया गया गोलकुंडा में तो लॉट्स ऑफ स्टेप्स स्टेप वेल्स वर मेड इन गोलकुंडा बाउली जो स्टेप तो उस उसको भी और गोलकुंडा फोर्ट को भी ठीक है रेफरेंस टू कर्नाटिक वॉर्स एक बात ध्यान रखिएगा मॉडर्न इंडिया में यू शुड फोकस मोर ऑन द एटींथ सेंचुरी इंडिया बिकॉज फ्रॉम पास टू थ्री इय यूपीएससी क्वेश्चन फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन देर आफ्टर केम सक्सेसर स्टेट्स लाइक सक्सेसर स्टेट्स लाइक अवध बंगाल हैदराबाद है ना मराठा वॉज नॉट एग्जैक्टली सक्सेसर बट मराठा एक रीजनल पावर था राजपूत सो दी इन पावर के बारे में आपको ध्यान देना है इन पावर के बारे में कैसे कैसे क्या हुआ जैसे डच के बारे में डच आए तो क्या किए फ्रेंच आए तो क्या किए जो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री अब तक हम लोग का होता था कि एटीन के बाद से हम लोग पढ़ना शुरू करते थे सो so, नो no, अब पॉलिटिकल हिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा पॉलिटिकल हिस्ट्री पॉलिटिकल हिस्ट्री मीन्स एटलीस्ट आपको ये पता हो क्रोनोलॉजी क्या था कौन सा स्टेट कब बना हैदराबाद कब बना अवध कब बना बनाया कौन तो ये पॉलिटिकल हिस्ट्री एटीन सेंचुरी का बहुत इंपॉर्टेंट है ये पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन इससे पूछेगा विद रेफरेंस टू कार्नेटिक वॉर्स इन इंडिया ड्यूरिंग एटीन सेंचुरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बताइए इसमें क्या सही क्या गलत hmm? है कार्नेटिक वॉर कार्नेटिक वॉज अ नेम गिवेन बाई यूरोपियंस टू मालाबार कोस्ट कोरोमंडल कोस्ट कोरोमंडल कोस्ट किधर है तमिलनाडु और मालाबार किधर है ठीक सही है

जो कार्नाटिक वॉर हुआ था ये किसके किसके बीच हुआ था एंग्लो फ्रेंच और भी तो पावर्स थे उस समय इंडिया में हम्म तो डच का क्या हुआ था डच थे कि नहीं लो बिदारा तो वो वो उससे हार गए वो या इधर फ्रांस आ रहा तो ठीक है तो दूसरा और तीसरा सही आप लोग को बहुत तो तैयार है आप लोग का मतलब अच्छा खासा तैयार है भी आप लोग घबराने का बिल्कुल नहीं है क्योंकि इतना under education commission primary education should be regarded as education of masses medium of instruction in primary education should be english the fees charged in aided secondary schools should be considerably फीस चार्ज इन गवर्नमेंट स्कूल ये गलत है स्टेटमेंट थर्ड ठीक तो थर्ड अगर गलत हो गया तो हमारा वन टू ऑप्शन बचता है वन एंड टू सही है वन एंड टू एक बार किस स्टेटमेंट के बारे में यू शुड रीथिंक नॉट इन द प्रेजेंट कंटेक्सट ऑलवेज थिंक हिस्ट्री अबाउट द कंटेक्सट इन विच it was stated like in 1880s there was foreign rule on india and that foreign rule was not interested in educating indians who interested to the nahi they were not interested so तो if they were not interested then why will they charge less fees means they were not ready to take the burden of education upon themselves तो आज के कंटेक्स्ट में ये गलत होगा कि आज गवर्नमेंट स्कूल में पैसे फीस कम है बहुत मार्जिनल फीस है but उस समय सोचिए आपकी गवर्नमेंट स्कूल जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश उसको चला रहा है तो वो क्यों पैसा लगाएगा सो इन दैट कंटेक्स इट वॉज मीन इट वॉज करेक्ट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्सट ऑफ अ फॉरिन पावर रूलिंग ओवर इंडिया समझ में आ रहा है कि नहीं ये बात कि एक गवर्नमेंट स्कूल में अगर सब्सिडाइज रेट पे दिया जाएगा एंड पैसा दिया जाएगा तो सब्सिडी वुड बी पेड बाय द ब्रिटिश तो ब्रिटिश क्यों करेंगे सब्सिडी पे ठीक है तो ये सही और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्राइमरी स्कूल शुड भी ये इंग्लिश नहीं होगा हाँ ये वर्णाकुलर लैंग्वेजेस थे ठीक है तो हमारा वन एंड थ्री ऑप्शन ठीक है तिरुकुरल बाय तिरुवल्लवर तो ये तिरुकुरल ये बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे में भी बहुत कोट किया गया इसको इकोनॉमिक सर्वे में इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यथिक्स इन एस ए यू कैन कोट हिम इंटरव्यू में एस ए में एथिक्स में हर जगह काम आएंगे तो ये तो चलिए इनका बेसिक ये अरम पोरुल इबम इसका मतलब क्या है यह तो चलिए आप पता लग जाएगा आपको बट तिरुकुरल तिरुवल्लूर जो है वो इसमें बेसिक इनका एक आइडियोलॉजी था मीन्स ही लेजिटिमाइज द वेल्थ गेन मीन्स कि अगर पैसा आप कमा रहे हैं तो एक उसको एक लेजिटिमेसी दिए थे ये जैसे अभी हमारे यहाँ जो करप्शन है करप्शन करप्शन इज ड्यू टू कि हमारा मींस एंड का जो कोरिलेशन है वो टूट गया है मींस एंड इज टू गेन वेल्थ बाय व्हाटएवर मींस तभी तो करप्शन हो रहा है तो अगर मींस एंड को हम कोरिलेट कर देंगे कि अगर वेल्थ गेन करना है एंड बाय राइटियस राइटियस मींस तब तो करप्शन नहीं होगा तो यही वो बोले थे कि कि हम लोग वेल्थ गेन कैसे एक राइट right तरीके से कर सकते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे में इसको कोट किया गया था कई बार कि ये कि वेल्थ गेन अगर करना है गलत चीज नहीं है वेल्थ गेन करना इट इज गुड क्योंकि उसको राइट right वे से किया जाए ठीक है तो इसका आंसर सी होगा आराम मीन्स एवं पोरुलमेंट इसको आप देख लीजिएगा उसमें अब इसमें ही स्टैब्लिश द फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन इन इंडिया मतलब इसी स्टेटमेंट से आ जाना चाहिए आंसर है ना डी के कार्वे तो ये इसी यही स्टेटमेंट काफी है इस क्वेश्चन के लिए ही वर्क फॉर द अपलेसमेंट ऑफ स्टेटस ऑफ विडोज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड हिम द हाइस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न तो डी के कार्वे ठीक है इंपॉर्टें पर्सनैलिटी डी के कार वन का जो लेजिस्लेशन है वो याद कर लीजिएगा जैसे 1856 में हुआ 1870 में आया एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1890 में आया एज ऑफ कंसेंट एक्ट है ना तो ये सब चीजें आप एक जगह शारदा एक्ट आया है ट्वेंटी ठीक है तो एक जगह लिस्ट में मॉडर्न इंडिया प्रोलम्स के लिए ऐसे पढ़ा जाता है ना कि एक लिस्ट आप बनाते रहिए अलग अलग चीज का जैसे अभी भी आप जब जाएंगे तो यू शुड मेक अ लिस्ट फॉर एग्जाम्पल एटीन सेंचुरी इफ यू आर रीडिंग एटीन सेंचुरी देन यू शुड मेक अ लिस्ट ऑफ द इन द क्रोनोलॉजिकल वे तो तो सारा आप लिख लिए। ऐसे ही जो women का section होगा, में तो में भी एक list. अगर आपका क्रोनोलॉजी क्लियर है तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर जैसे जाएंगे फ्रीडम लविंग या मोर इंडियन रिपन तो अगर आपको रिपन का का रेन पता है और लिटन का रेन पता है कि दौरान जो लिया गया स्टेप है वो आप गैस कर सकते हैं कि हाँ ये रिपन कर सकता है ये रिटर्न कर सकता है समझ में आ रहा बात इसलिए गवर्नर जनरल का जैसे जैसे आप आइडिया एक लग जाएगा कि जैसे बेंटिक बेंटिक का आपका अगर माइंडसेट पता रहेगा तो बेंटिक के उस समय का कोई भी जो स्टेप आएगा वो आप कर सकते हैं तो इसीलिए पॉलिटिकल टाइम में भी अगर आप जैसे अकबर के टाइम को आप पढ़ रहे हैं तो अकबर का रेन आपको अगर पता है तो उस समय आप टिक कर सकते हैं कि हाँ अकबर वुड हैव डन दैट मतलब पॉसिबल है कि कर सकता है ऐसे औरंगजेब समझ में आ रहा है ये चीज़ तो ऐसे आप ऐसे पढ़ करके पढ़िएगा बहुत सारा इजिली मतलब अंडरस्टैंड आप करेंगे उस चीज को और दूसरा क्या है कि क्वेश्चन में क्लैरिटी रहेगी आराम से उसको टिक कर लेंगे टिक। ये भी बहुत आसान है देख लीजिए इसको ये तो आप पढ़े होंगे बचपन से बोसो चेयरमैन वॉज नेहरू सुभाष चंद्र बोस मेड मीन्स वो उनका आइडिया था या वो बनाए लेकिन बट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ नेहरू ओनली ठीक है तो पहला तो सही है भिलाई स्टील प्लांट वॉज सेटअप विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन उस समय सोवियत यूनियन था राउर किला स्टील प्लांट वॉज सेटअप विद चेयरमैन को तो सेकेंड तो गलत है तो आप ऑप्शन क्या जाएगा? One and three. आ जाएगा वन एंड थ्री हाँ राजा राजा रवि वर्मा कुछ कभी पढ़े हैं फर्स्ट इज रॉन्ग ही रिव्यूड द इंडिजिनस स्टाइल ऑफ पेंटिंग discarding कंप्लीटली techniques द टेक्निक्स ऑफ यूरोपियन in आर्ट paintings. पेंटिंग्स गलत बहुत सही ये गलत है ठीक है तो ये गलत होगा तो आंसर आ रहा हमारा टू थ्री थ्री अब ही वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट टू यूज ऑयल पेंट्स इंस्टेड ऑफ वाटर कलर्स और ही अगर सेकेंड जाएगा तो ओनली जाएगा फिर ही विद टाइटल ऑफ कैसरे हिंद तो तीसरा तो सही है तीसरा तो एनी हाउ सही होना ही होना है तीसरा ठीक है अब यहाँ पे मेरे ख्याल से ये दोनों सही है फर्स्ट थे वॉटर कलर यूज करने वाले ये तो इसका थ्री हो जाएगा अच्छा राजा रवि वर्मा का अच्छा भारत माता पेंटिंग कौन बनवाया था हुँ? हाँ अविंद्रनाथ टैगोर और उनका स्टाइल वाज एंटायरली इंडियन एंटायरली इंडियन नो नो ही वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय जापानीज स्टाइल ऑफ पेंटिंग ओके तो जापानीज स्टाइल उनके उसमें भी था नॉट एंटायरली इंडियन ठीक अच्छा भारत माता और जैसे यूरोप में या ब्रिटेन में फादरलैंड बोला जाता है और हमारे यहाँ मदरलैंड ये क्यों ऐसा क्यों हुआ कोई आइडिया बिकॉज जैसे शुरुआत में जब ब्रिटिश आए थे तो ब्रिटिश हमारे यहाँ रूल कर रहे थे ना तो रूल वो क्या करते थे दे यूज टू जैसे उनका जो भी नरेटिव था इंडिया के लिए तो इंडिया जो इंटेलिजेंसिया थी इंडिया के जो पढ़े लिखे लोग थे दे वेंट अगेंस्ट तो वो जो कहेंगे उसके उल्टा हम करेंगे तो अगर फादर लैंड है तो हमारा मदर लैंड होगा तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसा देखिएगा नरेटिव कि जो वो बिल्ड किए थे उसके अगेंस्ट हम लोग काम करने लगे ठीक है अब जैसे सती सिस्टम था सती तो सती बैन किया गया तो सती एक्चुअली में लेजिस्टिव एक कंट्रोल ले, मतलब बैन था ना लेजिस्लेटिव बैंड था मीन्स एक एक्ट पास हुआ एंड सती वॉज बैंड ऐसे विडो मैरिज एक्ट इट वॉज अ इनिशिएटिव, बॉटम अप था कि टॉप डाउन था टॉप डाउन अप्रोच था तो दीज जो एक्ट्स थे जो सारे एक्ट हैं वो सक्सेसफुल हुए थे कि नहीं सक्सेसफुल नहीं हुए थे है ना विडो रिमेरिज एक्ट में देखा गया बहुत सारे ऐसी जगह विडो रिमेरिज हो ही नहीं पाया तो इसलिए वो क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे मीन्स कि हमारे कल्चर में इंटरफेयर नहीं करोगे तुम एक ऐसे लोग तो एक इसके जो राजा राम मोहन रॉय जब बैन करने गए तो एक उसके अगेंस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई थी हाँ चलो पता तो है हम सोचे आप लोगों को पूछेंगे कौन सा है राधा कान देव धर्मसभा ठीक है तो उसके अगेंस्ट वो फिर भी काउंसिल तक गए थे वो लेकर के कि इसको बैन मत करो क्योंकि हमारा कल्चर है ये ठीक है तो पर्सनालिटीज लाइक राजा राम मोहन रॉय अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया सही की गलत हुँ? देवर इन फेवर हाँ दे था कि ब्रिटिश वुड विंग रिफॉर्म वाया वेस्टर्न एजुकेशन एंड वेस्टर्न लर्निंग तो ऐसे डी जो करवे थे ठीक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये सब जो है कुछ सोचते थे कि वो जो ब्रिटिश एजुकेशन है वो भी हमारे में रिफॉर्म लियाएगा नए नए आइडियाज ले आएगा ठीक है <laughs> हाँ तो वो एक टाइटल है टाइटल किसी को भी मिल सकता है जैसे हाँ जैसे बोयर वॉर एंग्लो बोअर वॉर जब हुआ था हाँ तो जली वाला बाग में ना वापस नहीं किए देना वो टाइटल अपना जली वाला बाग में आई डोंट थिंक ही रिटर्न बाग बिफोर स्टार्टिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आई थिंक ही रिटर्न है ना चेक बिकॉज एज फार आज आई नो किस वाई ही इज क्रिटिसाइज्ड कि उस समय वो नहीं दिए बिकॉज बहुत लोग अपना टाइटल वापस कर दिए थे उस समय वो उस समय नहीं दिए लेकिन मूवमेंट शुरू करने के पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करने के पहले हाँ तो कैसे हिंद नहीं दिए थे उस समय जल्वाला बाग में इसका तो फिर टू थ्री ठीक है फिर ये पढ़ी इनके बारे में ये भी बता सकते हैं आप लोग डी बी स्वामी सहजानंद सरस्वती डी बाबा रामचंद्रन बाबा रामचंद्रन तो बाबा रामचंद्रन ही वॉज पीजेंट लीडर मतलब एक किसान सभा को बहुत ऑर्गेनाइज किए हैं ये भी किसान सभा को ऑर्गेनाइज़ किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती है ना और अच्छा ऑल इंडिया किसान सभा कब बनी थी नाइनटीन थर्टी सिक्स और उस समय कांग्रेस इसके साथ में थी कि अगेंस्ट थी इनिशियली कांग्रेस वॉज इन फेवर ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा बिकॉज दे वॉन्टेड वोट इलेक्शन वक्शन आने वाला था तो वोट चाहिए था लेकिन वंस जब जीत गए लोग एक बार धीरे तो धीरे लोग साइडलाइन कर दिए तो फिर क्या हुआ बाद में बैन भी कर दिया गया कि कांग्रेस मेंबर शुड नॉट बी पार्ट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा बिकॉज दे वर अलाइनिंग विथ कम्युनिस्ट और उस समय बहुत स्टैंड चला गया था और ब्रिटिश वर ऑल्सो इन फेवर की ब्रिटिश यही करते थे कि वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट शुड टेक द होल्ड ऑफ कांग्रेस और कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट का डिमांड क्या होता था कि वी शुड कांग्रेस शुड पार्टिसिपेट इन इलेक्शन तो कांग्रेस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे तो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट इनिशियली देवर इन फेवर ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा बिकॉज दे वॉन्टेड टू विन दैट इलेक्शन वंस दे वन दे रिजेक्ट ठीक है ये भी आपको पता होगा पता तो आपको बहुत कुछ है आप लोग अच्छा खासा तैयार है हुँ? फर्स्ट का और मद्रास लेबर यूनियन हम्म हाँ बीपी वाडिया मद्रास लेबर यूनियन है ये बॉम्बे मिल एसोसिएशन एन एम लोखंडे और मद्रास लेबर यूनियन बीपी वाडिया भी भी है। तो ये वन ऑफ़ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन लेबर यूनियन था इंडिया में एक uh, dilemma, कही एक uh, इंडिया में था कि लेबर मिलिटेंसी बहुत थी बट ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम था क्योंकि डिलिब्रेटली वो ऑर्गेनाइज होने नहीं देते थे इंडिया में क्यों ऐसा क्यों है कि इंडिया में लेबर यूनियन जल्दी बन नहीं पाता था ये थोड़ा सा सोसाइटी का एस्पेक्ट है थोड़ा आप सोचिए वो तो चलिए वो तो आ, वो तो इंडिया का ऐसा क्या चीज है कि कि हाँ हाँ डाइवर्स आइडेंटिटी ऑन मीन्स कैस एग्जैक्टली कास्ट आइडेंटिटी होती थी तो कास्ट आइडेंटिटी के कारण क्या होता था कि जो ग्रुप था वो कास्ट बेसिस पे बनता था ना कि क्लास बेसिस पे क्लास एंड कास्ट तो डिफरेंट है ना क्लास इज ऑन द इकोनॉमिक बेसिस एंड कास्ट वॉज ऑन द सोशल बेसिस तो जरूरी नहीं है कि उस कास्ट का सब लेबर ही होंगे उस कास्ट के बड़े लोग भी होते थे छोटे भी होते थे तो दे यूज टू अलाइन विद द सेम कास्ट तो अपने कास्ट के अगेंस्ट जाते नहीं थे तो डेट्स वाई लेबर जो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में लेट शुरू हुआ एक तो ये रीज़न दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन इट स्टार्टेड वेरी लेट इन इंडिया तो जब इंडस्ट्रीज नहीं थे तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा ठीक है तो दो रीजन कह सकते हैं तो ये गलत हो जाएगा है ना फवाजिल किसको कहते थे देखिए एक्स्ट्रा पेमेंट मेड टू नोबल्स, एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्स चेकर बायता दर्स फाजिल जो बोलते फाजिल बच गया है अच्छा सी कितने लोग सी के साथ जा रहे हैं सी सी ठीक लग रहा है हाँ सी ये आंसर सही है लेकिन देखिए एक्स्ट्रा पेमेंट ऐसा कुछ तो था नहीं रेवेन्यू असाइंड इन ल्यू ऑफ सैलरी इसको क्या कहते थे रेवेन्यू असाइंड इन ल्यू ऑफ सैलरी इसको एक सिस्टम कहते थे क्या कौन सा सिस्टम था एकता सिस्टम इनिशियली जब सल्तनत लोग यहाँ पे आए तो वहाँ पे क्या कि एक जमीन दे दी उससे जितना रेवेन्यू आया अपनी सैलरी ले लो उस सैलरी जो तुम्हारा खर्चा हुआ कैसा एकता सिस्टम और इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज मिलिट्री एकता सिस्टम इकोनॉमिक कैसे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे लॉ एंड ऑर्डर वहां का देखना और मिलिट्री कैसे इन द नीड इन द नीड दे विल प्रोवाइड आर्मी टू तो तीनों सिस्टम एक ही में था एक था तो इस इन खर्चों के बाद जो पैसा बचता था वो पैसा वापस देता था किसको सुल्तान को तो जो पैसा बचता था वो क्या कहते थे फवाजिल ठीक इलीगल लीगल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम Uh, इसको क्या कहते थे अब वापस वेरी गुड अब वॉप्स ठीक ए बी डब्ल्यू ए बी अब वॉप्स ठीक रेफरेंस टू मुगल एम्पायर अकबर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हिज कैपिटल वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना एंड बुलंद दरवाजा वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई अकबर एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड टू शेख चलीम सलीम चिश्ती क्या बनवाया गया था शेख सलीम चिश्ती के लिए अजमेर शरीफ सोचिए और सोचिए मिडविल इंडिया में आप लोग आर्किटेक्चर पढ़े हैं मुगल अच्छा अगर मुग़ल एरा में कहा जाए कि आर्किटेक्चरली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेस किसके टाइम पे था एंड फॉर पेंटिंग जहांगीर इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स तो अच्छा और अकबर के टाइम का सबसे ऐसे बोला जाए कि क्या है आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस रेड साइंसटोन तो समझ लीजिए आप सल्तनत पीरियड से लेके अब तक और जहांग शाहजह जहां क्या यूज़ करता था मार्बल वाइट मार्बल मार्बल का यूज़ शाहजहाँ के टाइम पे था और जनरली रेड सैंडस्टोन ठीक है तो अकबर के टाइम पे फतेहपुर सीकरी बना बुलंद दरवाजा बना ये सब बना ठीक है तो देखिए इनका कैपिटल कहाँ था अकबर का फतेहपुर सीकरी आगरा और है ना आगरा के पास फतेहपुर सीकरी तो बैंक ऑफ रिवर यमुना तो ये सही हो गया बुलंद दरवाजा वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई अकबर ये नहीं ये बुलंद दरवाजा जब गुजरात से है ना आए थे तब वो बनाया गया था ठीक है तो ये गलत हो गया हमारा ठीक है तो पहला सही है फास्टेस्ट मार्च कहा जाता था क्योंकि गुजरात में एक बार आए तो फिर वापस जाना पड़ा क्योंकि फिर रिवोल्ट कर दिए थे तो अकबर फिर वापस गया गुजरात तो बहुत जल्दी या ग्यारह या चौदह दिन में पहुंच गया था गुजरात पहले तो बहुत होता था ना मोहम्मद बिन तुगलक के लिए पानी आता था बहुत दूर से बर्फ में तो एक व्यवस्था थी रिले वाली व्यवस्था जो होती थी कि एक आदमी गया दौड़ के उनको दिया फिर वो आदमी आगे गया डाक चौकी डाक चौकी तो दौड़ के गया कुछ दूर तो एक पोस्ट वहाँ पे रख दिया वो था, वो बैठ गया दूसरा आदमी दौड़ के गया आगे फिर वो रख दिया फिर तीसरा ऐसे करके पहुँचता था हाँ रिले जैसा होता था ये भी आसान है ये कर लीजिएगा पढ़िए इसको हुं? है ना इस्टब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ये कब हुआ था किसके बारे में पूछा है लॉर्ड कर्जन के बारे में कौन सा इसमें लॉर्ड कर्जन के टाइम पे नहीं हुआ था तो इस्टिशमेंट ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके टाइम पे हुआ था कैनिंग कैनिंग 1861 में कौन था जब इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे है ना क्लेमेंसी कैनिंग कहते थे उसको कैनिंग था इस समय और ये इस्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट डलहौजी के टाइम पे हुआ एंशंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट ये दोनों तो हुआ ही है करजन के टाइम पे तो ये तो आसान क्वेश्चन है ये कर लेंगे आप तो इसका आंसर हो जाएगा वन एंड थ्री नहीं टू एंड फोर है हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस ऑफ कश्मीर वॉट डू टर्म्स सिलावंती एंड सियाबातीस डिनोट तो इसमें अब देखिए ये क्या है फैक्चुअल क्वेश्चन है यही <laughs> तो बिल्कुल बिल्कुल बता रहे थे आपसे ऐसे वियर्ड दिमाग लगता है वो लगा दीजिए सही होगा तो होगा नहीं तो ठीक है कोई बात नहीं कई बार सही हो जाता देखे देखिए सही हुआ ना इसका भी तुरंत पता तो था नहीं तुम्हें ये सही हो गया तो दो नंबर ऐड हो जाता फिल्म में तो ऐसे ही करना है एक बार ऐसे करते करते तुम्हें बताया तो एक बार वन नंबर मेरे आए थे में उस साल नाइन्टी कट ऑफ गया था सोचो तो ये ऐसे ही छोटा <laughs> नहीं कि जिद करके सारा क्वेश्चन करके आएंगे इस बार क्योंकि हमें लग रहा था कि कट ऑफ तो कंफर्टेबली पार है मेरा इस बार फिर वो टाइम बचा तो चलो और निपटा लेते हैं तो दस पंद्रह क्वेश्चन बचा था वो भी करने लगे बहुत सारे सही हो गए उसमें से तो फिर ये भी पढ़िए है गांधी पैक्ट तो गांधी पैक्ट तो आपको पता होगा थर्ड सही है महात्मा गांधी ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस एग्री टू सस्पेंड सीडीएम एंड टू पार्टिसिपेट इन विच सेकंड की थर्ड पक्का हो सेकंड हो ठीक चलो सेकंड है ये इरविन एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ कांग्रेस फॉर पब्लिक इंक्वायरी ये गलत है ये तो पुलिस एक्सेस में यही रिजेक्ट कर दिया था और भगत सिंह ने उनका कम्यूटेशन इरविन ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एग्रीड अपॉन राइट टू मेक सॉल्ट इन कोस्टल रीजन फॉर ऑल परपजेस ये तो सही लग रहा है हाँ ऑल परपज के लिए नहीं था सिर्फ पर्सनल यूज के लिए कंजुम्पन के लिए ठीक है तो थोड़ा तो, यही ये, ये क्या है ये जैसे अटेंटिव uh, अगर रहिएगा तो इस टाइप की गलती नहीं होगी जैसे आप पढ़े हैं ये चीज़ कई बार क्या होगा कि हाँ किया तो था टिक करके चले जाते हैं बाद में जब यहाँ आके मिलाते हैं तब तो लगता है यार ये तो ऑल लिखा था तो ये सब चीज़ें बचेंगी हम लोग विद रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट बताइए इसको ये भी आसान क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है सी hmm? सी क्यों पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ था 1919 इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1919 सो दिस इज द करेक्ट विद रेफरेंस टू मार्केट रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हैव यू स्टडीड अबाउट मार्केट रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी प्लेसड ईच मार्केट अंडर द कंट्रोल ऑफ अंटेंडेंट कॉल्ड मुहिया अपोजिट मुहिया मीन्स ऐसे नहीं फूस फूस की बात करते हैं तो स्पाई कौन होगा और शाहनाई मंडी सुपरिटेंडेंट तो ये जैसे शाहनाई मंडी सुपरिटेंडेंट ऑफिसर था एक मुहिया वॉस सीक्रेट स्पाई तो इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा और ये बहुत सारा इसका पर्पज है बनाने का मतलब ये मार्केट जो बनाया था वो किस लिए बनाया था अलाउद्दीन खिलजी हाँ टू रेस परमानेंट बिकॉज मंगोल थ्रेट वॉज देयर है ना एक परमानेंट आर्मी रेस करना था तो उसके लिए प्रॉपर वो होना चाहिए था ठीक है मायूस इज़ यूनिक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस ठीक है पढ़िए इसको वन टू थ्री टू एंड थ्री इट इज फर्स्ट डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर इंस्पायर्ड बाई पर्शियन आर्किटेक्चर सही हो सकता है क्यों और इट इज द फर्स्ट गार्डन टू बिल्ड इन इंडिया ये सही है इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट पिंक सैंडस्टोन इज यूज विद एडमरेबल इफेक्ट इन दिस टूम तो थर्ड सही है ये सेकंड गलत है पहला सही है लोदी के टाइम पे भी लोदी है ना तो फर्स्ट जो गार्डन टूम बना है वो लोधी के टाइम पे बना है तो so हुमायूं को मतलब जब बाबर के बाद कौन आया हुमायूं के बीच में ही सूरी सूरी क्या किए भगा दिए हुमायूं को हुमायूं कहाँ गया हाँ पर्शिया फिर वहां से वापस आया वापस आने के बाद मर गया लाइब्रेरी से गिर के मर गया फिर उसके बाद असल में वो इंटॉक्सिकेट यूज़ करता था बहुत ज़्यादा उसके बाद फिर अकबर तो अकबर का वो रेंज चालू हुआ ठीक है तो हम लोग इसमें वन एंड थ्री विद रेफरेंस टू बुद्धिस्ट लिटरेचर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सुसान है सुा इज कम्पाशन ऑफ द से ऑफ बुद्धा सही है विनय इज कंपाइलेशन ऑफ द फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म गलत है अभिधम पितिका इज कंपाइलेशन ऑफ रूल्स गलत है तो वन ओनली ये बहुत आसान क्वेश्चन है अच्छा जात का स्टोरीज किसके पार्ट है

रेफरेंस टू इंडियाज कल्चरल ट्रेडिशन लघु गुरु एंड प्लूत इसमें क्या मारना चाहेंगे है सी ठीक सही है सी सही है तो पढ़े होंगे फिर ये आप है ना नहीं अच्छा पता था थोड़ा बहुत हाँ ठीक है तो सी सही है ये सब फैक्चुअल है फैक्चुअल क्वेश्चन के पीछे परेशान नहीं होना बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ अम्पिटिशन तो उसमें बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता होगा लेकिन जो चीजें सबको पता है अगर वो आपको नहीं पता है देन यू आर इन डेंजर तो एटलीस्ट वो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए और कंसेप्ट बार बार बता रहे हैं कंसेप्ट को क्लियर रखना है कंसेप्ट मीन्स क्रोनोलॉजिकल वे में अगर पढ़ेंगे तो अक्सर क्वेश्चन आपका सही होगा हिस्ट्री का विद रेफरेंस टू एशियंट इंडियन हिस्ट्री पुतभेदना हर्ड अबाउट इट पुतभेदना कभी पढ़े थे इसके बारे में तो भेदना मीन्स मींस टू पेनेट्रेट भेदना है ना ठीक तो ये ये अब अब इसमें क्या हो सकता है सब कुछ दिमाग लगाइए क्या हो सकता है एरिया इन द मार्केट टाउन इनहिटेड बाय आर्टिशंस ठीक है ये बी बोल रही हैं आप एक्सचेंज सेंटर एंड लोकल मार्केट्स एक्सचेंज सेंटर्स एंड लोकल मार्केट्स, क्यों एक्सचेंज सेंटर एंड लोकल मार्केट्स क्यों क्योंकि भेजना मीन्स एक बॉक्स को खोलते थे वो लोग उत भेदना बॉक्स को खोलना तो वो बॉक्स जब खोलते थे वो बॉक्स कैसे इंपोर्ट होके बॉक्स आया बॉक्स वहाँ खोल के फिर कहीं आगे ट्रेड के लिए भेजते थे तो क्या होगा एक्सचेंज सेंटर और लोकल मार्केट होते थे इसका लिटरल मीनिंग यही है ठीक है तो कभी गलत होगा कभी सही होगा ऐसा नहीं कि हमेशा सही होगा आपका लेकिन ये कि जनरली सही होता है ठीक हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन कंसिडर थेम ये भी आसान है ना सेकंड गलत है इसमें इलेबोरेट मेकअप यूज होता है तो पहला सही हो जाएगा रोगन पेंटिंग इज एन आर्ट ऑफ क्लोथ प्रिंटिंग प्रैक्टिस मिल इन विच द फॉलोइंग स्टेट्स पढ़ लीजिए गुजरात 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 ये सब फैक्चुअल सब आपको दामने को संथल दामने को सुनते ही संथल रिवेलियन सीधु एंड कानू है ना कानू विद रेफरेंस टू ड्यूरिंग ब्रिटिश विदेदारूल तो पुअर शेयर क्रॉपर्स हु कल्टिवेटेड द फील्ड्स ऑफ जमींदार इन रूरल बंगाल तो जोटेदार पुअर नहीं थे जोटेदार अमीर थे ये ध्यान रखिए तो पुअर नहीं थे तो ये गलत द तिभागा मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाई जोटेदार्स इन नाइनटीन फोर्टीज अगेंस्ट द जमींदार्स ये भी नहीं रही तो लोकल लो, प्रजेंट है ना तो फिर इसमें नाइदर वन एंड टू हो जाएगा तिभागा मूवमेंट किस लिए था हा? नहीं तिनकटिया तो तिनकटिया सिस्टम कहाँ पे यूज होता था चंपारण में था तिनकटिया हाँ और यहाँ पे यहाँ पे भी तो कुछ तीन का है रेलेवेंस वन थर्ड है ना शेयरिंग का था कि वन थर्ड टू थर्ड शेयरिंग तो ये था ठीक है फ्लाउड कमीशन इसके लिए बना था फ्लाउड कमीशन बना उसी के बेसिस पे ये लोग फिर तबागा मूवमेंट हुआ एफ एल ओ यू डी फ्लाउड कमीशन बंगाल गवर्नमेंट ने सेटअप किया था तो वो रिकमेंडेशन जो दिया था वही वन थर्ड शेयरिंग वाला फिर उस परभागा मूवमेंट हुआ फिर इसमें एक खमर उनके गोडाउन में आकर देखो शेयरिंग हो गई जो भी शेयरिंग होगा उनके गोडाउन में ना कि जमींदार के गोडाउन में तो उस गोडाउन को खमर कहते थे सब वर्ड अगर द फॉलोअर्स ऑफ दिस स्कूल सो किस हिनयाना स्कूल के बारे में है द फॉलोअर्स ऑफ दिस बुद्धा एज अ ग्रेट सोल बट नॉट गॉड दिस स्कूल अटैच इंपॉर्टेंस टू रोल ऑफ बोधि सतवास द वज स्कूल डेवलप्ड एज एन ऑफ शूट ऑफ हिनयाना स्कूल ड्यूरिंग एट सेंचुरी तो वन एंड थ्री वन ओनली वन है ना ये हिनियाना का क्या था बेसिक वो और इससे महायाना जब अलग हुआ महायाना अलग क्या महायाना एक जो डॉक्टर था वो कंसिडर्ड बुद्ध एज अ गॉड गॉड है ना एंड हु वर वो सत्वास हाँ फाइनल स्टेज में नहीं बीच में आके रुक गए अब बाकी लोग को हेल्प करेंगे हम ठीक है तो ये हो जाएगा सत्व तो सत्व का कंसेप्ट इज रिलेटेड टू महायान नॉट ही नालंदा स्कूल ऑफ ब्रॉन्ज कास्टिंग इट इमर्ज ड्यूरिंग द रूल ऑफ पाला डायनेस्टी द वेल नोन स्कल्पचर ऑफ फोर आर्म्ड अवलितुकेश्वर ही बोधि सत्व इन त्रिभंग पॉस्टर बिलोंग्स टू नालंदा स्कूल ऑफ आर्ट नटाज त्रिभंग में कृष्ण जी की मूर्ति जो बनती थी त्रिभंग में बनती थी है ना तो है तो दोनों सही है जो पाला स्कूल के टाइम पे क्योंकि नालंदा है पाला स्कूल के टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत मेटल स्कल्पचर बनना शुरू हुआ था तो अच्छा खासा मेटल स्कल्पचर बन रहा था उस समय और ये भी ये तो इन्फॉर्मेशन है देखिए आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो उस समय ये था कि तो उसको दिमाग में से रख लीजिएगा तो आप लोग को थोड़ा सा वो मिलेगा उसमें यह भी है ना कि चोला के टाइम पे जो आप बता रहे हैं नटराज चोला है ना ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स तो जो स्कल्प हड़प्पा में मिला है स्कल्पचर डांसिंग गर्ल का मिला है स्टोन स्कल्पचर भी मिला है प्रीस्ट किंग और हाँ बियडेड प्रीस्ट और जो चोला के टाइम पे जो मेटल इमेज बनता था तो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के मेटल इमेज में थोड़ा सा डिफरेंस होता था साउथ इंडियन मेटल इमेज जो है वो हॉलो और उधर भरा हुआ रहता था ठीक है तो थोड़ा ये डिफरेंस मेटल लगभग लगभग कॉमन होता था ठीक है यहाँ पे बोथ किस टेक्निक से बनता था ये सब इमेज हड़प्पा के टाइम पे कैसे बनता था हाँ लॉस्ट हाँ सी रिपे विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर मॉडरेट्स कौन है इसमें से बताइए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है है ना लाल बाल है नहीं विपिन चंद्रपाल है नहीं और तो विपिन चंद्रपाल हटा दीजिए फोर हटा दीजिए यहाँ से वन टू वन थ्री टू थ्री बताइए वन थ्री है ना बदरुद्दीन त्याग जी फिर शाह मेहता मेहता तो बहुत बड़े है ना मॉडर्ट्स थे ठीक है इनके इनके मरने के बाद ही फिर एक्सट्रीमिस्ट सेंटर किए थे है ना होम रूल हुआ जब लखनऊ सेशन हुआ तो वन एंड थ्री और अश्विनी कुमार दत्त किस लिए फेमस है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी ये स्वदेश बंधो समिति बंगाल पार्टीशन के टाइम पे स्वदेश बंधो समिति दत्त एक कब हुआ था मूवमेंट नॉन कॉपरेशन के टाइम पे मदारी पासी इसको यूनियन मूवमेंट भी कहते हैं एका मूवमेंट इट फ्लरिश अंडर लीडर ऑफ मदारी पासी सही है ये पीजेंट अंडर दिस मूवमेंट वॉट नॉट टू पे एनी रेंट अनलेस देर डिमांड फॉर मिट यहां पर देखिए कैच है उस समय जो कैंपेन uh, होता था गांधी के टाइम पे स्पेशली तो नो no रेंट जमींदारी एरिया में नो रेंट कैंपेन नहीं होता था जमींदारी एरिया में ऐसा क्यों देखिये uh, uh, जमींदारी एरिया में नो रेंट कैंपेन नहीं होगा ठीक है जहां महलवाड़ी रहेगा या जहां रैयतवाड़ी रहेगा वहां पर नो रेंट कैंपेन शुरू कर सकते हैं गांधी के हिसाब से ऐसा क्यों हुँ? इसलिए कि जहां जमींदार्स भी इंडियन थे तो नो रेंट कैंपेन करेंगे देन जमींदार वुड आल्सो टर्न अगेंस्ट द पीजेंट्स लेकिन वहां पे द कलेक्टर वाज अल्टीमेटली ब्रिटिश ब्रिटिश कलेक्ट कर रहे हैं तो जब ब्रिटिश कलेक्ट कर रहे हैं महलवाड़ी सिस्टम में तो वहां पे अगेन नो रेंट हम जा सकते हैं ठीक है इस समय जो था वो नो रेंट नहीं था रेंट को रिड्यूस करना था ठीक है तो द पीजेंट्स अंडर दिस मूवमेंट वुड नॉट टू पे नहीं इसमें क्या है रेंट को कम द मूवमेंट वाज ब्रॉट टू एन एंड बाय सीवियर रिप्रेशन बाय ब्रिटिश तो ये तो जनरली सही होगा ठीक है तो वन एंड थ्री ठीक विद रेफरेंस टू आर्किटेक्चर ऑफ इस्लामिक मॉस्क व्हाट इज द टर्म मेहराब मेहराब पता है इन्हें मेहराब मींस जैसे एक niche टाइप का बना देंगे रिसेस जिसको कहते हैं जैसे ये मान लीजिए अगर ये है प्लेन दीवार तो इसमें हम गड्ढा खोद के ऐसे बनवा देंगे गड्ढा खोद खोद के थोड़ा सा दरवाजे के शेप का बस वो रिसेस रहेगा बस वो खाली जैसी जगह रहेगा जिस किबला के जिस डायरेक्शन में ए, मक्का होगा तो वो तो उस डायरेक्शन में वो लोग रहता है तो उस डायरेक्शन में बना रहेगा और प्रेयर भी उसी डायरेक्शन में होता है तो कोई दरवाजा नहीं रहेगा बस दरवाजे के शेप का रहेगा और वो कार्व रहेगा थोड़ा हम्म हाँ जामा मस्जिद में या तुम गांव में जहाँ पे दिया रखते थे दिया ल, ल, तो दीवार में बनाते थे ना अंदर ताखा जिसको कहते थे हम लोग ताखा तो उस उस उसमें जो है वो ऐसा ही होता है वो उसको मेहराब कहते हैं तो पढ़िए इसमें कौन सा होगा रिसेर वॉल ऑफ द प्रेयर हॉल है ना विद रेफरेंस टू एटीन सेंचुरी इंडिया जिज ए मोहम्मद शाही इज अ सेट ऑफ एस्ट्रोनोमिकल ट्रेवल्स हाँ बिल्कुल सही है पढ़े हैं आप, है आप लोग ये सब बहुत ज्यादा पढ़े हैं आप लोग विच डायनेस्टी इस्टेब्लिश इस रूल इन इंडिया आफ्टर तिमूर इन्विजन सी सैयद पक्का सैयद डायनेस्टी कब तिमर इन्विजन कब हुआ था नाइन्टी एट विद रेफरेंस टू नेशनल काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में है ये ठीक है तो वन हमारा गलत हो जाएगा तो टू थ्री बचेगा हमारा पढ़ने की जरूरत नहीं है पढ़ लीजिए एक बार इसको ऐसे कुछ चीज तो करेगा ही क्लियर है फिर विद रेफरेंस टू मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए हैं द बराबर केस फॉर वोनेटेड बाई अशोका टू आज का सेट सही है सांची स्तूपा वॉज ओरिजिनली बिल्ड बाई बिम्बी सर अशोका द टॉप ऑफ द अशोकन पिलर्स डिस्प्ले ओनली लाइन मोटिव गलत हो गया तो वन ओनली आंसर ठीक है ना ये समझ में आ रहा है ना ये चीज क्यों द इंडियन फैक्ट्री एक्ट एटीन एट्टी वन प्रोवाइडेड बेसिकली उल्टा लिखा हुआ है ये फैक्ट्री एक्ट आप जरूर से देख लीजिएगा इसमें एस एस बंगाली का जो बंगाली थे एस एस उनका रोल फैक्ट्री एक्ट सारा 1881, 91 और 23 में भी आया तो जो भी एक बेसिक प्रोविजन जो है और एस एस का रोल और ही वॉज नॉट फ्रॉम कलकत्ता वो हाँ हाँ महाराष्ट्र में वो काम कर रहे थे तो ऐसा नहीं कि कलकत्ता मार देना बंगाली देख के वैसे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिस्ड वेयर एन बी पी डब्ल्यू इट वॉज नॉट नाइदर इंटायरली नॉर्दर्न ज ब्लैक नॉट ऑलवेज पॉलिस्ड तो नाम में कन्फ्यूजन नहीं होना है ना हाँ ठीक है तो ये तो ये उल्टा लिखा हुआ तो नाइदर वन एंड टू तो हो जाएगा ठीक है इसको देख लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट्री एक्ट हाँ विद रेफरेंस टू नासिक प्रशिस्ती तो अभी हम लोग जब बात कर रहे थे रुद्र दमन की तो गौतमीपुत्र सातकर्णी की बात कर रहे थे ना तो इट डिस्क्राइब्स तो द अचीवमेंट्स ऑफ सातवाहना रूलर गौतमी पुत्र सातकर्णी तो प्रशस्ति क्या होता था प्रशस्ति मीन्स यूलॉजी मीन्स बढ़ा चढ़ा के बोलना किसी के बारे में वो लिखा रहता था, था तो नासिक में एक इंस्क्रिप्शन पाया गया नासिक केव में उस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है इनके बारे में गौतमी गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में बनवाया कौन है इट वॉज कंपोज बाई वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी सही की गलत ये गलत है हाँ फीमेल थी तो इट्स डिस्क्राइब्स हाँ ये सही हो जाएगा हमारा ये गलत हो जाएगा ठीक है वशिष्ठ पुत्र साथ कर्णिन गौतमी बालाश्री ठीक है वो बनवाई है ठीक है तो यहाँ पे पांडु लेना केव भी है ना पांडु लेना पांडुलेना उसी में है है ठीक और बहुत सारा बात का भी इंस्क्रिप्शन पे मिला है यहीं पे नासिक में के पास में जोगल थम्बी एक जगह है जोगल थम्बी वहां पे बहुत सारे क्वाइंस मिले हैं और वहां पे रीस्ट्रक कॉइन मिला है जो पंच मार्क्ड कॉइन होता था तो पंच मार्क्ड कॉइन कैसे होता था एक लेके पंच करते थे तो उसपे क्या होता था कभी का पंच रहता था उसके ऊपर कभी सातवाहना का पंच रहता था फिर उसके ऊपर ये डिनोट करता था कि उस एरिया में रूल चेंज हो रहा है इन लोगों का ठीक है तो यहां पे नासिक का एरिया हमेशा वोलाटाइल रहता था इसलिए वहां पे जो री स्ट्रक मिले हैं ठीक जोगल थम्बी जोगल थम्बी जोगल थम्बी महलवाड़ी सिस्टम ये देख लीजिए ये भी आसान ही है नुग। 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 एक मिनट हम्म, ह्री ओनली कौन सा हाँ ये तो सही है सहारनपुर रूल इसी के लिए था थॉमस था। किस, किस में था रेयत वाली सिस्टम नॉट महलवाड़ी आर बर्ड है ना ये सब थे इसमें रेवेन्यू सेटलमेंट वॉज मेड विद एन इंडिविजुअल फार्मर यह भी गलत है तो थ्री ओनली हो गया विद रेफरेंस टू डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग पोस्ट गुप्ता एरा अर्डवल इंडिया एकदम नोट कर लीजिए अर्ली मिडवल इंडिया सिक्स हंड्रेड टू ट्वेल्व हंड्रेड सीई सिक्स हंड्रेड टू ट्वेल्व हंड्रेड सीई बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे ही एटीन सेंचुरी क्यों अब तक यूपीएससी वॉज आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द मेन कोर लाइक आफ्टर सेवन या एंशियंट और मिडवेल यूपीएससी हैज स्टार्टेड फोकसिंग ऑन अर्ली मिडवल इंडिया जो ट्रांजिटरी पीरियड है कि ब्रिटिश और इधर का जो ट्रांजिशन है मुगल और ब्रिटिश का ट्रांजिशन एटीन सेंचुरी वो इधर एंशियंट और मिडवेल का जो ट्रांजिशन है सिक्स हंड्रेड टू ट्वेल्व हंड्रेड वो इस सबसे सवाल पूछता है इसमें क्या कर सकते हैं आप एक तो क्रोनोलॉजिकली आपको पता होना चाहिए कौन सी डायनेस्टी का भाई एक बार पूछ भी चुका चुका है ये दूसरा कल्चरल डेवलपमेंट बहुत इमर्ज हुआ इस समय 600 हंड्रेड टू ट्वेल्व फॉर एग्जाम्पल इनिशिएशन ऑफ भक्ति मूवमेंट अलवर नानमार्स इन साउथ इंडिया तो भक्ति मूवमेंट बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ इसी रीजन में तो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट वॉज देयर इन ड्यूरिंग दिस पीरियड तो ये ध्यान रखना है किस रीजन में कौन से रूलर थे और कौन सा पैटर्नेज दे रहे थे वो इससे आप कई सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं तो ये ध्यान रखिएगा ठीक है तो पोष गुप्ता द थानेश्वर वॉज द किंगडम ऑफ मोखरीज कान्यकुब्ज वॉज लोकेटेड इन दंगना गंगा यमुना डॉप एज द पोलिटिकल सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया कन्नौज रिप्लेस्ड पाटलिपुत्र तो ट्राइपरटाइट स्ट्रगल तो आप लोग पढ़े होंगे तो कन्नौज का इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ गया था तीसरा तो सही होगा बिल्कुल तो टू थ्री या वन थ्री थानेश्वर वॉज द किंगडम ऑफ मोखरीस तो यहाँ पे क्या थे हर्षवर्धन थे तो मोखरीस का तो था नहीं हर्षवर्धन हो गया वर्धन डायनेस्टी का पुष्यभूति डायनेस्टी तो वन एंड थ्री आंसर हो गया है ना हाँ टू एंड थ्री आंसर हो गया हाँ टू एंड थ्री आंसर हो गया ठीक तो क्योंकि इसमें आपको इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं इसमें आपको पता होना चाहिए कौन सा डायनेस्टिक किस एरा में आया बहुत एग्जैक्ट डेट नहीं लेकिन लमसम पता होना चाहिए ये पढ़िए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये भी आसानी है सी करें बैनिंग ऑल वर्णकुलर सोच लीजिए बी सी सी आप सी लॉक कर दे दम सी बताइए <laughs> देखिए हाँ नॉट ऑल वर्नाकुलर लैंग्वेजेस पहली बात अब बैनिंग तो वो नहीं है वो उसमें क्या था कि जो एक हिसाब से अगर मेरे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को इफ यू आर नॉट फॉलोइंग देन वी विल बैन तो ऑल नहीं तो नन ऑफ द एव इसका आंसर होगा इसमें अमृत बाजार पत्रिका ओवरनाइट जो है है ना वो वर्नाकुलर से इंग्लिश हो गया ठीक है तो इसमें डी आंसर होगा डी के साथ भी कॉन्फिडेंस रखिए यूपीएससी आजकल डी बहुत दे रहा है नन ऑफ द दिए इसलिए आ, आ, इसलिए आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि डी ऐसा नहीं है कि डी नहीं हो सकता बायसनेस ये दिमाग में <laughs> लेके नहीं चलना है विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर ये भी एकदम वो है फैक्चुअल uh, क्वेश्चन है देख लीजिए इसमें आपको या तो पता होगा या तो नहीं पता होगा आ, ये ए रमान इज रिचुअलिस्टिक थिएटर ऑफ गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड डी दशावतार इज यूनिक फोक थिएटर ऑफ मयूरभंज रीजन ऑफ उड़ीसा दशावतार कहाँ का है हाँ गोवा एंड महाराष्ट्र गोवा एंड महाराष्ट्र का तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अनलाइक राजा राम मोहन रॉय ईश्वरचंद विद्यासागर वाज प्रोपोगेटर ऑफ ओनली इंडियन फिलोसफी अभी हम लोग डिस्कस किए शायद कि दोनों लोग वेस्टर्न फिलोसफी की बात करते थे ही वाज इन्वॉल्व इन द मिशन टू अबॉलिश चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी तो ये थे इन्वॉल्व तो ये करेक्ट नहीं है है ना तो वन इज नॉट करेक्ट पंपा द ग्रेट लिटरे जीनियस ऑफ कन्नड़ लिटरेचर तो ही इज ऑल्सो नोन एज आदि कवि है ना पंपा पोन्ना रन्ना तीन टाइप के थे ना तीन थे तो थ्री ज्वेल कहे जाते थे ही हिज ग्रेटेस्ट वर्क इज गदायुद्यम गदायुद्यम इन कथा नहीं पढ़ लीजिएगा इन, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि गदायु अब टू नहीं है तो ओनली हो गया ठीक है अब ये विजयनगर के टाइम पर थे नहीं बहुत लेट बता रहा है विजयनगर के टाइम पे थे नहीं चालुक्यन किंग जब राजकोटा के फ्यूडेटरी थे चालुक्यास देन पंपा यूज टू लिव देयर इन द चालुक्यन कोड ठीक है बाद में पुन्ना रन्ना भी रोसम आए तो एक बार कन्नड़ लिटरेचर का देख लीजिएगा आप ठीक है क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन बुल मेंशन है कि नहीं ऋग्वेद में बुल इज इन मैंशन हॉर्स टाइगर और रा सोरस वन एंड टू वन फोर ऑल फोर ऑल फोर के साथ सब जा रहे हैं वन एंड टू है इसका वन टू टाइगर और राइनो नहीं ये मेंशन नहीं है टाइगर और डायनासोरस ठीक है तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में मेंशन है है ना यहाँ पे नहीं है ठीक है तो वन एंड टू ठीक काऊ काऊ था कि नहीं काऊ देख जब है ना ये काऊ वो बोल ध्यान रखिएगा का। जब काऊ होगा तो बोल होगा बुल होगा हो तो काऊ ठीक इंडिविजुअल नहीं होगा द टर्म दू आसपा सी आसपा हा? Hmm, एकदम तो ये जो दो आसपास सी एसपा क्या था जैसे अगर जात सवार मनसबदारी सिस्टम क्या था मनस है ना हाँ तो मनसब जात था सवार रैंक जात रैंक एंड सवार रैंक जात वाज लाइक स्टेटस एंड सवार वाज हाउ मच नंबर नम, ऑफ कैवलरी वन यू यूज टू मींस मेंटेन तो दो आसपास सी एसपा में ऐसे था कि अगर चार हजार आपका सवार रैंक है उसमें एक हजार अगर दो आसपास सी एसपा है तो फॉर वन थाउजेंड यू हैव टू मेंटेन तीन तीन हॉर्स एंड फॉर द रेस्ट एक एक हॉर्स ऐसे करके तो ऐसे मेंटेन करके वो लोग आर्मी को बैलेंस कर रहे थे तो बस इतना कि हिसाब से है है? ठीक विद रेफरेंस टू सॉल्ट मार्च ड्यूरिंग इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस थी ये तो साल्ट मार्च के बारे में आपको पता होगा स्टार्टेड बाई महात्मा गांधी ठीक है बताइए कौन सा ऑप्शन बताइए आंसर बताइए इसका इसमें कंफ्यूजन हो रहा है क्या आप लोग को हाँ बहुत है इसमें कुछ गलत नहीं है सब सही है कभी कभी सही हो सकता दोनों स्टेटमेंट ऐसा थोड़ी की नहीं होगा सही विद रेफरेंस टू रवीन्द्र टैगोर इट ही वॉज द ओनली इंडियन टू बी अवार्डेड नोबेल प्राइज बिफोर इंडिपेंडेंस नहीं तो कौन थे और सी वी रमन वेरी गुड Hmm, बहुत सही किस लिए वो रमन इफेक्ट उनका बाग इन प्राइज नहीं हाँ। ठीक है तो वन ओनली हो गया ना वन ओनली नहीं ना इधर हो जाएगा ये फिर विच ऑफ सिविलाइजेशन वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ इंदस रिवर बताइए इंदस रिवर के बगल बगल कौन सा है one end? हड़प्पा किस नदी के बगल में है रवि नदी के बगल में है है ना अब वो ट्रिब्यूटरी मानेंगे अगर बोलेंगे कि इंडिविजुअली तो लेकिन मोहनजोराड़ो इंदस के है और रवि के बगल में है सो यू आर ऑल्सो राइट बट इनडायरेक्टली कि वो ऐसे सारे सिविलाइजेशन लगभग लगभग हड़प्पा के वॉज अराउंड रिवर ओनली विजय नहीं वरियम कुन्नत कुंजा अहमद हाजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वो वो मला मलाबार जो है ना तो मोपला में जो रिविलियन हुआ था मलाबार में तो मोपला रेविलियन बहुत दिन से चल रहा था बहुत सेंचुरीज ओल्ड समझ लीजिए कि लगभग सौ साल का टेन्यर उसका हो गया था तो कभी कई बार वो कम्युनल एंगल भी बहुत ले लेता ले 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 था कम्यूनल एंगल क्यों क्योंकि वहां के जो हायर क्लास के लोग थे देवर हिंदू एंड द पीजेंट्स वर मुस्लिम्स तो अक्सर क्या होता था कि वो एक्सप्लाटेशन तो सोच क्लास क्लास एंगल था एक्सप्लाटेशन का क्लास डिफरेंस था बट दे वर ऑफन गिवेन कम्युनल कलर तो उसके ये लीडर थे ठीक है तो देखो इसमें क्या सही होगा हाँ दोनों जो है सही हो जाएगा इसमें दोनों सुनने में अच्छा लग रहा है फिर ये भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हाँ बस सेकंड अगर रॉन्ग हो गया हमारा तो वन थ्री और जब देख लीजिए तो बाकी सब सही है इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस इंडियन लीग से कुमार घोष बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बदरुद्दीन त्याग जी विद रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया द वर टू एंड एक्सपाउंड ऑफ सही है पंचतंत्र अ कलेक्शन ऑफ फेबल्स ड्यूरिंग एंशियंट इंडिया वॉज रिटन ओरिजिनली इन प्राकृत लैंग्वेज नहीं संस्कृत में था ये तो यहां से हमारा टू गलत हो जाएगा तो टू टू वन एंड थ्री है थ्री ओनली वन हम लोग बोल रहे हैं सही है तो वन एंड थ्री जातक कथा और बुद्धिस्ट लिटरेचर ये तो पता ही है आपको ठीक विद रेफरेंस टू रीजनल कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया टर्म्स फुगादी जिम्मा पिंगा सी ट्रेडिशनल फोक डांस हाँ फुगादी जिम्मा पिंगा रेफर टू ट्रेडिशनल फोक डांस ठीक है समझ रहे हैं? तो ये तो वो है इसमें समझना कुछ नहीं है विद रेफरेंस टू बुद्धिज्म पराजी का क्या हो सकता है देखिए हम्म क्या डी बुद्धिस्ट uh, जो एक रिलीजन था उसमें दो टाइप के थे ना एक लेटी कॉमन पीपल और एक संघा जो संघ के जो ऑर्डर को ज्वाइन करते थे तो जो नॉर्मल लोग थे दोज हु बुद्धिज्म तो वो अपने डे बाय डे टू डे लाइफ में इट डेट्स वाई मेनी हिस्टोरियंस कॉल दैट की कन्वर्जन टू बुद्धिज्म इज अस नोमर क्या बुद्धिज्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा बिकॉज यू यूज यू कैरी ऑन योर डे टू डे एक्टिविटी

तो ये क्या होता था रेफर टू फोर मोस्ट सीरियस ऑफेंसेस विच रिजल्टज़ इन एक्सपल्सन फ्रॉम संघा चार बहुत सीरियस ऑफेंस लिखे जाते थे कि जिसके कारण आप एक्सपेल कर दिए जाएंगे ठीक तो वो था तो इसमें ध्यान रखिएगा कि ये चीज बुद्धिज़्म में एक तो जो संघ के लोग होंगे जो फॉलोअर्स जो विनय रूल्स जिसमें अप्लाई होगा पराजिका जिनके लिए होगा बट जो नॉर्मल पीपल है जो लेटी हैं जो जो कॉमन पीपल हैं उनपे संघ का रूल अप्लाई नहीं होता था ठीक है अच्छा प्रीवियस अच्छा एरो है क्या यहाँ पे अच्छा हाँ हाँ ठीक हाँ, ठीक क्या करो इट रेफर टू फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा वो एट अटेंडेड हिज फर्स्ट सरमन आई डोंट थिंक कोई नेम इनको दिया है उनको नेम दिया जाता है क्या कोई अच्छा डी को डी का कोई नेम कह रही हो आई डोंट थिंक मतलब मुझे तो नहीं पता कि इसका कोई नेम ऐसा एज इट इज़ था शुरुआत उसको कुछ होता है क्या कोई नेम आई डोंट थिंक कोई मतलब अब तक तो नहीं पढ़े हम नेम अगर होता होगा तो आई टेल यू अच्छा यहाँ से अब नहीं जाएगा वहाँ से ठीक <laughs> है पिट्स इंडिया एक्ट ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट ठीक है द प्रेसिडेंसीज ऑफ पढ़ लीजिए एक बार इसको <laughs> तो वन क्यों नहीं रेगुलेटिंग एक्ट में रेगुलेटिंग एक्ट में सबॉर्डिनेट किया गया था इन द टर्म्स ऑफ वेजिंग वॉर एंड मेकिंग पीस विद नेटिव स्टेट्स तो वो था दूसरे में क्या था पिट्स इंडिया एक्ट में भी हाँ और पूरा और भी सबॉर्डिनेशन हुआ क्योंकि धीरे धीरे सेंट्रलाइजेशन हो रहा था और 1833 आते आते पूरा सेंट्रलाइज हो गया बंगाल जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया तो वो जो जो सबॉर्डिनेशन था वो 1773 से चालू हुआ और वो 1833 आते आते तक पूरा सबॉर्डिनेट हुआ तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है कि नहीं ये तो ये तो स्टेटमेंट है जबकि आपको जो बुकलेट मिलेगा उसमें ये शायद रॉन्ग लिखा हो ये तो बट ये स्टेटमेंट गलत नहीं है पिट्स इंडिया एक्ट में सबार्डिनेट किया गया था है कि नहीं अगर आप पढ़ेंगे तो और दूसरा भी करेक्ट है क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फोर मेंबर और ये होते थे नहीं तो वहां पे वो रूल करता होगा ना जिस जिसको चार्ज दे दिया गया था सेक्रेटरी वहां पे मिनिस्टर्स को सेक्रेटरी कहते हैं जैसे हमारे यहाँ मिनिस्टर्स होते हैं यूरोप ब्रिटेन में उसको सेक्रेटरी कहते हैं तो मिनिस्टर्स तो पहले भी थे वहां पे ना ठीक है तो मेरे हिसाब से दोनों सही है लेकिन आपको आंसर में सिर्फ टू ओनली मिलेगा तो हो सकता मिस प्रिंट हुआ कुछ हुआ लेकिन ये सही है स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अय्या वैकुंड स्वामिका विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट तो इनके बारे में जान लीजिए कि ये जैसे शीशा लगा के पूजा करते थे मीन्स खुद की पूजा करो है ना वन कास्ट वन रिलीजन वन क्लैन वर्ल्ड वन वर्ल्ड वन गॉड ये बोलते थे लेकिन ये मैसूर में नहीं थे ट्रेवन कोर में थे तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा फिर ही फाउंडेड सामथ्व समाजम तो ती ये तीन हाँ है ना ये ती तीन जो है आप इनके बारे में फैक्ट याद कीजिए और नो गॉड कौन बोलते थे नो गॉड देर इज नो गॉड एट ऑल नो गॉड पेरियर पेरियर है ना पेरियर रिपब्लिक कौन से महाजन प्रदास थे वन एंड थ्री है ना वन एंड थ्री दो तो टाइप के हुआ करते थे मोनार्किकल स्टेट्स एंड गणसंघ तो गणसंघ को रिपब्लिक कहते थे गणसंघ्स वर जनरली ऑन द फुट ऑफ हिमालय और जो जो मोनार्की स्टेट्स जैसे मगध मोनार्की था एक है ना ये किस समय की बात हो रही है महाजनपदा की बात हो रही है पता चला कि ये भी नहीं समझ में आ रहा कि महाजनपदा ठीक पढ़िए क्वेश्चन को ये हाँ ये तो वन ओनली क्योंकि ये तो ऑब्वियस बात है कि कुछ ना कुछ तो ब्यूरोक्रेसी रहा होगा ना और जो गुप्ता के टाइम पे क्या हुआ था फ्यूडलिज्म आने लगा था तो आई ऑल्सो टोल्ड इन अर्लियर क्लास डेट जब भी नाम बड़ा नाम हो महाराजा धीराज है ना महाराजा मीन्स राजाओं का राजा तो देर मस्ट भी सम राजा फॉर द महाराजा तो अगर राजा है तो यानी कि फ्यूडल लॉर्ड्स हैं एंड तो जब भी, भी बड़ा टाइटल हो उतना अथॉरिटी कम होती है उसकी जैसे श्री 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 महाराजा तो इससे क्या कहने का मतलब यह है कि ढेर सारे श्री श्री हैं उनमें से श्री हैं है ना तो यानी ढेर सारे जब श्री श्री हैं तो डेट्स तो वाई अथॉरिटी तो थो थोड़ी कम होगी ना पावर टू तो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जो लॉन्गर द टाइटल लेसर द पावर ऑफ द रूलर ठीक है ध्यान रखना कौन सी पोजिशन प्रॉपर्टी जो जो स्त्री का जो धन था स्त्री धन स्त्री धन को और डेमोक्रेटाइज कर दिया गया था क्योंकि स्त्री धन पहले इंक्लूड नहीं करता था कि मूवेबल प्रॉपर्टी लेकिन गुप्ता के टाइम आते आते क्या हुआ कि बहुत स्त्री धन का जो कंसेप्ट है उसको वाइड कर दिया गया था तो इस कंटेक्स में वुमेन का पोजिशन इंप्रूव हुआ था ठीक विद रेफरेंस टू प्री हिस्टोरिक एज इन इंडिया ये देख लीजिए द सेपियंस द स्पीसीज ऑफ होमो सेपियंस लिव इन इंडिया ड्यूरिंग लोअर एज द एक्लियन स्टोन इंडस्ट्री हैड ओनली चॉपर एंड चॉपिंग टूल्स वाइल सोहन ये उल्टा लिखा हुआ है जो एक्लियन होता था उसमें हैंड एक्सेस क्लीवर्स होते थे हैंड एक्सेस और बड़े बड़े क्लीवर्स और जो सुहन इंडस्ट्री होता था वो चॉपर और चॉपिंग टूल्स तो एक्लियन स्टोन मीन्स एक टेक्निक था टूल बनाने का तो एक्लियन उसको नाम दिया गया क्योंकि वो पहला ऐसा टेक्निक एक्ुल एक जगह है फ्रांस में वहाँ पाया गया था जो वहां पाया गया ना तो इसलिए तो पहला सही है दूसरा गलत है लोअर पैलोलिथिक कंटेक्स में होमोसेपियन हमारे यहां मिले हैं अगस्त ऑफर ये भी आप देखिए हम्म फर्स्ट इज रॉन्ग कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तो बात हुई नहीं थी ठीक तो यहां पे टू थ्री और टू ओनली और थ्री ओनली इट्स सजेस्टेड दैट नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज सही है ये इट ऑफर्ड सेटिंग अप ऑफ सेट्यूएंट असेंबली आफ्टर द वॉर ये भी सही है तो टू थ्री फिर एंग्लो मैसूर वॉर याद आ रहा है एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में तो देखिए इसको पढ़िए एक बार हम्म

उसमें भी तो ये स्टेटमेंट जम रहा है ना सही हो रहा है प्रोसेस कंटिन्यू है तो ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि वो उसी में सिर्फ हुए इसमें नहीं हुए हाँ उसमें भी हुए इसमें भी हुए मतलब उसमें होने का मतलब ऐसा थोड़ी इसमें नहीं होंगे तो सेवनटीन एटी फोर वाला भी सही होगा वो हम्म थ्री एंड फोर थ्री एंड फोर ऑप्शन में नहीं है पहला तो सही है पहला पहले पहला जो एंग्लो मैसूर मैश हुआ था उसमें ब्रिटिश जो है ना अलायंस बना लिए थे मराठा और निजाम के साथ अगेंस्ट हैदर अली फिर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में मराठा आ गए थे इनके साइड ठीक है तो ये गलत हो जाएगा मराठा सपोर्ट नहीं किए इंग्लिश को है ना फिर वो तो टू गलत फिर तीसरा थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर एंडेड विथ ट्रीटी ऑफ सेरंगी पटनम ठीक है तो ये सही है और फोर्थ में तो मर गए थे है ना तो वन थ्री फोर वन थ्री फोर, वन थ्री, फोर। इसको देख लीजिएगा इसको याद करने का तरीका क्या होगा कि जैसे जब ये आप वॉर पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में जैसे एंग्लो मराठा वॉर कार्नेटिक वॉर जो भी एंग्लो सिख वॉर उसके पैरेलली गवर्नर जनरल जरूर लिखिए जहां भी आपके नोट्स में होगा तो उसमें क्या करना है आपको कि लाइन खींच के बगल में बस एक गवर्नर जनरल का टेन्योर लिख लीजिए उससे बहुत फायदा मिलेगा आपको एग्ज़ाम में मेंस एग्जामिनेशन में भी तो फायदा मिलेगा सिर्फ प्री ही थोड़ी देना है मेंस भी तो देना आगे तो उसमें भी फायदा मिलेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्ट फॉर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट द ट्रेडिशन ऑफ स्ट्रिंग पपेट्स ये तो आप लोग पढ़े होंगे ये आसान है तो होता ही है स्ट्रिंग पर ये तो कुअम ये है ठीक है तो ये फैक्ट है इसको देख लीजिएगा किसी को इतना याद नहीं रहता है एग्जाम प्रिलिम्स के लिए कुछ ऐसे फैक्ट जैसे जोग्राफी हम लोग क्या करते थे कि प्रिलिम्स के टाइम पे ही जोग्राफी पढ़ा जाता था फिर वो जोग्राफी प्रिलिम्स के बाद गायब मेंस में भी नहीं आता था बहुत कम आता था और जो आता था वो थोड़ा सा एनालिसिस वाला उतना कर लेते थे फिर अगले प्रीलिम्स में ज्योग्राफी का नोट्स कहीं निकलता था वो फिर पढ़ा जाता था फिर वो भूल जाते थे यही साइकिल चलते रहता था वो लेकिन एक बार ऐसा हुआ था बहुत ज्यादा ज्योग्राफी पूछ दिया था वो पेपर वन में जी एस वन में उस साल सबकी वोट लगी थी गुलामगिरी सही है हाई कास्ट हिंदू वमेन लिख सकती हैं पंडित रामाबाई है नहाद्दीन गिफ्ट टू मनुथुजम कौन लिखा था राजा मोहन रॉय तो ये तीनों सही है पंडिता रामा भाई के बारे में पता है ना कि बहुत ब्रेव लेडी थी है ना वो शादी भी कर ली हाइपरगैमी अपने से अलग कास्ट में उसके बाद उनके हस्बैंड मर गए फिर वो वापस चली वो गई अमेरिका में मेडिसिन पढ़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था लाइफ का तो ये सब जो हिस्ट्री के जो पर्सनालिटीज़ है ना उसमें क्या है कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने मीनस के एग्जामिनेशन में या एस में यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छा यूज़ होता है एस में हिस्ट्री ऑप्शनल है किसी का क्या क्या ऑप्शनल है अच्छा हिस्ट्री किसी का नहीं है, हिस्ट्री तो यार हिस्ट्री तो टॉप कर रहे हैं हिस्ट्री के लोग नहीं जो ट्रेंड चलता है उसमें तो यही करते रहे, जो लोग लेना अबाउट अ रेवोल्यूशनरी लीडर ड्यूरिंग इंडिया काकुरी ट्रेन रॉबरी में थे एच एस आर ए बलराज कहा जाता था चंद्रशेखर आजाद है ना चंद्रशेखर आजाद गुरु रविदास हाँ फर्स्ट इज तो ऑब्वियसली वो बहुत पहले के थे औरंगजेब बहुत बाद में आए ठीक तो, सेकंड इज करेक्ट क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में जनरली अगर किसी का ऐसे लिखा है कि इनका लिखा हुआ है तो वो जनरली रहता है गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत लोगों का उसमें है, टीचिंग है तो वो जनरली सही है अल्ले से को एक्सेप्शन पता है ये नहीं है एक तो ये ऐसे ही मॉडर्न में, में जो वो थे एक पर्सनालिटी थे मॉडर्न में हम लोग पढ़ते थे उसको तो वो हर जगह वो उनका फिट होता था आ, हाँ? क्या क्या टीवी सप्रू नहीं हाँ टीवी सप्रू ना हाँ टीवी हाँ, सप्रू हाँ वो टीवी सप्रू कहीं ऑप्शन में आए तो उसको मार दिया करो वो जनरली लिटल मेरा भी बहुत बार सही हुआ था किलर ये तो थे ही ये हर जगह थे यार तुम देखना कभी ध्यान देना इस चीज को टीवी सब हर जगह थे ऐसे ही मान लो कुछ ऐसा है तो यहां पे है एक ये ऑप्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है तो देखिए इसमें एक कंफ्यूजन उसी में होगा खेड़ा और उसमें अहमदाबाद तो पहले हुआ कि खेड़ा हुआ अहमदाबाद है सबसे पहले क्या हुआ थ्री फिर थ्री टू वन होगा क्योंकि चार दिन स्ट्राइक के चार दिन बाद खेड़ा इन वो हुआ था चंपारण अहमदाबाद खेड़ा इसके चार दिन बाद जो है चालू किए थे वो ये यूपीएससी में पूछेगा नहीं इस टाइप का क्रोनोलॉजिकल सवाल कि चंपारण और ये ये रिलेट कर सकता है जैसे चंपारण अगर चंपारण लिखा है तो उसके बगल में कुछ पैरेलल डेवलपमेंट रिलेट कर देगा कि 1918 में 17 में 16 में कोई पैरलाइ डेवलपमेंट कुछ हुआ होगा जो कि गांधी से रिलेटेड नहीं है वो क्रोनोलॉजी uh, में पूछ सकता है अगर बहुत आसपास पूछेगा एक ही पर्सनालिटी का नहीं पूछेगा ठीक है सुरसन लेख देखो आ गया क्वेश्चन बिल्ड ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड जूनागढ़ डिस्क्रिप्शन ऑफ साका रूलर रुद्र दमन इट वॉज लेटर डिस्ट्रॉयड बाई रूलर ऑफ गुप्ता तो ये तो गलत हो गया स्कंद गुप्त इसको वो किया था ठीक है तो वन एंड टू हेट्रोडॉक्स तो जो हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स थे डोंट तो कौन कौन से थे बहुत सारे थे है ना बहुत सारे थे उस समय जैनिज्म बुद्धिज्म तो था ही और है ना तो अजित केस काम्बलिन प्लीज डेट एवरीथिंग एंड्स विद एंड देर इज नो फर्दर लाइफ आफ्टर दैट तो कुछ इसी टाइप की फिलॉसफी सबकी थी ना कि नियति में विश्वास करना कि सब कुछ प्रीडिटर्मिंड है तो जो ऑर्थोडॉक्स वाले थे जो हेटरोडॉक्स वाले थे वो जनरली एक ही टाइप की फिलॉसफी था कि कुछ तुम कर लो कुछ नहीं होना तुम्हारा जो मन सो करो ठीक है और पंखुड़ा का छाया ना प्रीज द डॉक्टर ऑफ असस्व इसमें इसमें बोलते थे वो कि सात एलिमेंट से बना है जैसे ये बोलते थे चार एलिमेंट से बना है और लाइफ हमारा सात एलिमेंट से बना है और अलग अलग सात एलिमेंट है डी कंस्ट्रक्शनिज्म पढ़े हो कभी जैक डरीडा का था शायद ना डी कंस्ट्रक्शनिज्म तो उसी में था ना उसमें क्या था बोलता था कि जैसे सबको अगर किसी चीज़ को डी कंस्ट्रक्ट कर दो तो उसका मीनिंग खत्म हो जाएगा ना हाँ तो ऐसे ही ये बोलता था कि सात एलिमेंट से बने हैं तो अगर तुम हमको मारोगे अगर तलवार तो सात एलिमेंट पे मार रहे हो ना उससे क्या मतलब है कोई सही गलत कुछ नहीं होगा तो उसी टाइप की फिलोसफी कुछ थी इनकी ठीक है जैसे एक है ना मिथ ऑफ uh, जो हाँ, सीसी जो चढ़ाता है फिर आता है तो वो क्या लाइफ क्या है ऐसे तो उसी टाइप का है कुछ तो इसका अकॉर्डिंग टू किस कौन सी फिलोसफी हाँ द्वैत ऑफ निम्बार द्वैत अद्वैत तुम बताओ तुम तो फिलोसफी है ना बताओ हाँ, द्वैत ऐसे चलो रिवाइज करवाओ सबको द्वैत किसका था अद्वैत अद्वैत की द्वैत अद्वैत किसका था शंकराचार्य क्या बोलते थे वो हाँ वन एंड सेम हम जो है उस जैसे सांप को रस्सी को सांप समझ लेना ऐसे ही जगत मिथ्या है वर्ल्ड जो है रियल नहीं है तो ये सब चीजें ये शंकराचार्य उसके बाद वो कौन दिया वो क्या बोलते थे हुँ. हाँ, जैसे कि रोड और रोज और रेड कलर रोज और रेड कलर वो क्या डिस्टिंक्ट है येट सेम तो विदाउट रेड कलर रोज एग्जिस्ट नहीं करेगा या समझ में आ रहा ना ये 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 डिस्टिंक्शन हो गया उसके बाद हाँ, कौन माधवाचार्य हाँ? तो शुद्ध अद्वैत तो प्योर नॉन डुअलिज्म वल्लभाचार्य ठीक है तो ये रामानुजाचार्य हो गए शंकराचार्य हो गए इसके बाद नहीं नहीं एक और है बीच में माधवाचार्य है ना माधवाचार्य जो थे तो वो जैसे उपनिषद में था ना तत्व तो दोनों लोग सेम वो बोलते हैं अतत्व तो एकदम हाँ तो उस हिसाब से ये तो वल्लभाचार्य तो लेट आए हाँ तो अच्छा निम्बारका का द्वैत अद्वैत जो है और रामानुजा का जो विशिष्ट अद्वैत है अंतर क्या है दोनों में समझ में आ रहा है कि क्या हम लोग बात कर रहे हैं कि बिल्कुल फिलॉसफी का डिस्कशन नहीं हो रहा है, है। ब्राह्मण जिसको गॉड और इंडिविजुअल सोल तो इनका रिलेशन क्या होगा उपनिषद में ब्राह्मण के ऊपर बहुत बात की गई है बोला जाता कि ब्राह्मण पहाड़ कितने बड़े हैं और आई कितने छोटे हैं तो ये बात होती है आत्मन और ब्राह्मण में इस रिलेशन आत्मन ब्राह्मण को रिलेशन पे बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी गई फॉर एग्जाम्पल ही टोल्ड मी अबाउट शंकराचार्य तो शंकराचार्य क्या कहते थे कि ब्राह्मण एंड आत्मन बोथ आर वन एंड सेम रामुजाचार्य टोल्ड दर वॉज विशिष्ट अद्वैत द्वैत लाइक रेड एंड रोज डिफरेंट येट द सेम तो ऐसे ही आत्मन ब्राह्मण डिफरेंट और सेम भी है फिर माधवाचार्य क्या बोलते थे कि दे आर डिफरेंट ठीक टॉकिंग अबाउट निम्बारका निम्बारकाचार्य तो द्वैत अद्वैत है भी नहीं भी तो राम अनुजाच एम्फोसाइज मोर ऑन दिमिलैरिटी एंड ही इम्फोसाइज मोर ऑन द डिफरेंसेज यही डिफरेंस उन दोनों में ठीक है तो यहां हम निम्बारकाचार्य का क्या कर रहे हैं इस फिलोसफी के बारे में पूछा जा रहा है ठीक पढ़ो इसको दोनों गलत है ना क्योंकि विदाउट कुर्वाइव विदाउट सपोर्ट ऑफ गॉड ये तो पॉसिबल नहीं है है ना गॉड का सपोर्ट चाहिए और ये वल्लभाचार्य ले आए थे है ना तो पुष्टि मार्ग ठीक है वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग ये सब जो है ना ये सब थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भी हो थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी होता है आ, आ, हाँ है हाँ भक्ति मार्ग भक्ति जैसे भक्ति ट्रेडिशन तो बहुत चीज था इन भक्ति मूवमेंट तो बोलते थे ना हम लोग भक्ति मूवमेंट जो इमर्ज हुआ है तो भक्ति मूवमेंट क्या था मिडवेल में जो भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ शुरू कहाँ से हुआ भक्ति मूवमेंट हाँ ऑल दो उपनिषद में भी लिखा हुआ है लेकिन अलवर और न्यानमार्क से शुरू हुआ एंड देन फ्रॉम साउथ इंडिया इट वेंट टू नॉर्थ इंडिया है ना रामानुजाचार्य फिर रामानंदा फिर उसके बहुत सारे ठीक है तो ये नाइदरमन टू हो जाएगा इसका ठीक समझ रहा क्या बोल रहे थे हम लोग ठीक है इजरादारी सिस्टम इट इन टी सिस्टम को बोर हो रहे हैं अब है, है यस सर हम्म। ये हाँ तो कहाँ है और ऑब्वियसली रॉन्ग हो गया ये तो कहाँ ब्रिटिश बहुत पहले इंट्रोड्यूस हो गया था ये ठीक है और इट इज इंटेल्ड सिस्टम अंडर विच द रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट वॉज ऑप्शन आउट टू द दायेस्ट बिडर फिर विद रेफरेंस टू मैनेजमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू डूरिंग मुगल पीरियड द इनकम्स फ्रॉम खलीसा लैंड वर यूज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ एम्पर खलीसा लैंड क्या होता था हाँ वो तो स्टेट वॉज किंग किंग वॉज स्टेट उस समय स्टेट का डेफिनेशन क्या था है ना वही है कि आई एम द लॉ वाला हिसाब किताब लुई फोर्टींथ जो लुई फोर्टीन था आई एम द स्टेट वही तो बोला था तनखा जागीर वर ट्रांसफरेबल लुई फोर्टींथ कहाँ का था किस कंटेक्स में हम लोग पढ़े हैं लुई फोर्टींथ को फ्रेंच रेवल्यूशन है ठीक जागीर्स वर ट्रांसफरेबल एवरी थ्री फोर ईयर्स वेर एज वतन जागी रिमेंड हेरिडिटरी एंड नॉन ट्रांसफरेबल सही है तो जैसे राजपूत को जब इनकॉर्पोरेट करना था मुगल एम्पायर में सो देर न्यू सिस्टम डिवाइस फॉर एग्जाम्पल सपोज यू आर अ रूलर ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया एक पर्टिकुलर एरिया के आप रूलर हैं तो आपके पास आन बान शान सब है ठीक है हम आपके पास आए हम बोले कि यू शुड नील बिफोर मी ठीक तो अब आप बोले कि नहीं नहीं आई विल नॉट नील बिफोर यू ठीक है मेरा भी भाई इज्जत है इस अपने एरिया में तो हम क्या बोले ठीक है कोई बात नहीं तुम ये मान लो बस कि आई एम योर किंग और जो तुम्हारा प्रॉपर्टी है जो तुम्हारा एरिया तुमको हम दे देते हैं एज अ जागीर एज अ जागीर मीन्स वही तुम्हारी चीज हम दोबारा तुमको दे रहे हैं कि लो तुम्हारी जागीर है तो वो वतन जागीर हो गया और तनख्वाह जागीर अलग एरिया में किसी को अपॉइंट करना तो वो ट्रांसफरेबल था और ये ट्रांसफरेबल नहीं था जैसे कि फंडामेंटल राइट का दो एस्पेक्ट है ना कि इट इज स्टेट एक एक एस्पेक्ट क्या है कि इट इज गिवन बाय स्टेट एंड सेकेंड आस्पेक्ट क्या है नो इट इज इनहेरेंटली विद इन अस बाई बींग ह्यूमन बींग वी हैव अ फंडामेंटल राइट तो दोनों में से कौन सा आस्पेक्ट थॉमस हॉब्स का है और कौन सा आस्पेक्ट जॉन लॉक का है फंडामेंटल राइट इट इज इनहेरेंट मतलब कि वो इन एलिनेबल है मीन्स बाई बींग ह्यूमन बींग वी हैव सम फंडामेंटल राइट दिस इज वन आस्पेक्ट सेकेंड आस्पेक्ट इज स्टेट हैज प्रोवाइडेड यू सम ऑफ द राइट्स हाँ, तो स्टेट जो बताएगा है ना तो वही जो इस, जैसे हॉफ्स बोल रहा है ना कि स्टेट प्रोवाइड किया है था तो राइट हमारे पास लेकिन स्टेट प्रोवाइड किया है तो वही चीज वतन जागीर था हमारे पास लेकिन हम इन थ्योरी हम बता रहे हैं कि अकबर दिया है उसको राजपूत को तो वतन जागीर हो गया द टर्म दर्म पैबाकी वॉज यूज डिनोट लैंड लैंड ग्रांट्स टू स्कॉलर्स एंड रिलीजियस तो पैबाकी इसके लिए नहीं इसको मदद माश कहते थे जो देता था मदद माश इस पैबाकी लैंड को क्या कहते थे जो लैंड असाइन होता था कि इसको अब दिया जाएगा में में, इजरादारी ठीक है तो वो लैंड को क्या कहेंगे हम लोग पैबाकी तो तीसरा गलत हो गया पहला सही हो गया और दूसरा सही हो गया तो वन एंड टू सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले और सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी लाल लाजपत राय हितवादी ये इसी का था ना एक माउथ पीस और आफ्टर गोखले फिर शाह मेहता टुक ओवर द प्रेजिडेंटिप ऑफ द सोसाइटी ये तो पॉसिबल नहीं है ना तो ये ये गलत हो जाएगा वन एंड टू सही हो जाएगा ठीक है हाली सिस्टम हाली सिस्टम कहीं सुना है न, वर्ड कौन सा ए बी सी डी ए ट्रेडिशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज ठीक है बी अ सिस्टम ऑफ फोर्सिंग ग्रो कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन ऑन देयर लैंड्स और सी है सिस्टम ऑफ फेडेटरी लेबर अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज तो ये स्वराज स्वराजिस्ट पार्टी या स्वराज पार्टी पढ़े हैं आप लोग ना स्वराज पार्टी के रिफॉर्म में वॉज वन ऑफ द रिफॉर्म टू एंड द हाली सिस्टम स्वराज पार्टी का जो वन ऑफ द रिफॉर्म था दे ट्राई टू एंड विद रेफर टू द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी कंसिडर दस्ट इंडिया कंपनी रिसीव्ड द जमींदारी राइट ऑफ बिहार बेंगाल उड़ीसा बैटल ऑफ बक्सर है ना इंग्लिश रेजिडेंट वॉज अपॉइंटेड इन नवाब कोर्ट अ डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल यह सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ आफ्टर बैटल ऑफ क्लासिक बाद हुआ ना बेटल ऑफ बक्सर के बाद हुआ तो यह गलत हो गया ये गलत हो होगा ये वन एंड थ्री और रेजिडेंट वॉज अपॉइंटेड इन नवाब्स कोर्ट ये बताइए नवाब तो अपॉइंट कर दिया गया था तो ये सही है वन एंड थ्री ये गलत हो गया आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन ये तो बहुत आसान है 1857 ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है पढ़िए इसको इंडिया में कैबिनेट इंपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल हाँ ये सबसे लॉजिकल कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंक्रीज द रोल ऑफ इकोनॉमी ये कैसे होगा कॉमर्शियन ऑफ एग्रीकल्चर मीन क्रॉप्स फॉर कमर्शियल पर्पज फॉर द मार्केट नॉट फॉर कंजम्पन सो मिडिलैन का रोल कैसे इंक्रीज होगा इसमें ट्रेड करेंगे प्लस उनको कुछ इनपुट सीड फर्टिलाइजर उतने लार्ज क्वांटिटी में देने के लिए मिडिल मैन इसलिए ठीक है तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा वो लीडर से तो <laughs> बिल्कुल ऐसे भी होता है वेलू थम्पी तो याद रखिए कुंद्रा प्रोक्लेमेशन वेलू थम्पी ट्रेवन कोर के प्राइम मिनिस्टर थे ही रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश बाद में पकड़ लिए गए थे तो कुंद्रा क्लेमेशन विद रेफरेंस टू कर्नाटिक म्यूजिक पढ़िए इसको टू एंड थ्री द फर्स्ट और द सेकंड थेमेटिक लाइन्स ऑफ कंपोजिशन आर रिफर्ड एज पलवी बहुत सारा पल्लवी होता ही इसी को कहते हैं पल्लवी फिर अभी आदि पल्लवी अभी पल्लवी ऐसे करके अलग अलग नाम है कर्नाटिक म्यूजिक इज यूजली प्लेड विद मृदंगम ये भी सही है त्यागराज इज रेफर टू एज फादर ऑफ नई पुरंदर दास है ना तो वो तो ये हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा वन एन टू सही हो जाएगा बिहान मेला या बिहान मेला रिसेंटली सीन न्यूज तो ये कौन ये जो कौन स्टाइम है उड़ीसा के है ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो इसको याद कर लीजिएगा इसको स्वदेशी so मूवमेंट ये तो गलत हो गया पहला वाला तो टू थ्री या टू तो सॉन्ग वंदे मातरम चंद्र बाई बंकिंग स्वदेशी मूवमेंट सही की गलत अरे बहुत पहले लिखे थे ये इस समय नहीं लिखे थे है ना एटीन सेवेंटीज में लिखे थे ये तो ये गलत हो गया ये गलत हो गया तो दूसरा सही होगा दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है दूसरा सही है रेडिकल रिफॉर्मर्स इन नाइनटीन सेंचुरी मैं हाँ हा? अभी हाँ अभी तो बात हुई इसके बारे में कहाँ गए पंडिता रामा भाई सर रमा भाई रनाडे भी लिखा कोई <laughs> पंडिता रामा भाई और तो रणाडे को रमा भाई कनिंगम सर्कुलर ये तो सी uh, के टाइम पे असम में स्टूडेंट्स को दिया गया था कि प्रोटेस्ट में ना प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट ना करें है ना तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तो ये सब ये सब मतलब इजी क्वेश्चन है ये सब सी uh, में एक डिबेट है ना कि वो एंड हुआ बिजनेस प्रेशर के कारण सी का जो एंड हुआ था वो बिजनेस प्रेशर के कारण हुआ था तो ये भी थोड़ा सा आप लोग इसको इस इस एंगल से भी हिस्ट्री को थोड़ा थोड़ा पढ़िए क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में दे आर आस्किंग मोर ऑफ एनालिटिकल क्वेश्चन कि आपको एनालिसिस पता होना चाहिए उस टॉपिक का तो थोड़ा सा क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन एवरेज देखिए बीस पच्चीस हिस्ट्री से पूरे आ जाते हैं क्वेश्चन तो बीस क्वेश्चन अगर किसी से बन रहा है पेपर से तो अच्छा खासा वेटेज रखता है विद रेफरेंस टू ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग एटीन सेंचुरी खतबंदी सिस्टम वॉज बताइए हम्म बी hmm? अब <laughs> खाता बंद करने में खाता ब्रिटिश पॉलिसी इन द परमानेंट सेटलमेंट एरियाज डेट प्रोविडेड जमींदार फ्रॉम फर्दर सबलेटिंग देयर ये होता था क्या सबलेटिंग होता था क्या परमानेंट सेटलमेंट में सबलेटिंग मीन्स हाँ जैसे जमींदारी मिल गई हम किसी और को दे दिए टैक्स कलेक्शन राइट तो बहुत सारा इवन चौदह चौदह लेवल तक कभी कभी चला गया है सबलेटिंग तो नहीं इसमें ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया हाँ, हाँ गिरमिटिया तो जो बाहर जाते थे उनको गिरमिटिया कहते थे है ना हाँ गिरमिटिया जो भी रामचंद्रन कपड़े वो फीजी फीजी वाला गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन तो ये भी फैक्चुअली है कीजिए क्या हो सकता है फोर्थ है वन थ्री फोर टू भुक्ति विषय विलेज बिठी। ए। और से ए है ये आंसर इसका है तो इतना फ्रैक्चुअल भी तुम लोग को पता है तो बहुत बड़ी चीज है ये बहुत कम लोगों को पता होता है ये सब चीजें तो चलो फिल्म तो अभी तो तुम लोगों के पास टाइम भी है बहुत लेवल वाइज टेक्निक डी नोट्स अभी एडवांस वे ऑफ मेकिंग फ्लेक टूल्स ठीक है ये आपको भी पी इसका हो मतलब मिल जाएगा ठीक है और इसके अलावा जो जो टॉपिक हम आपको बताए हैं एटीन सेंचुरी अर्ली मिडवल इंडिया भक्ति मूवमेंट और जो भी पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ना है हम लोग को क्रोनोलॉजिकली पढ़ना है किस एरा में क्या हुआ था ठीक है क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से उससे अच्छा है कि स्मार्टली चीज को तैयार करें तो अगर आज घर जाकर के जैसे हम लोग के टाइम पे वो नेशनल पार्क पूछता था तो हम लोग पूरा नेशनल पार्क याद कर लिए थे हाँ तो सोच तो, तो, तो है ना इसलिए तो ऐसे है कि वो क्या शुरुआत में तो इनपुट बहुत था लेकिन वो आउटपुट उसका बढ़िया मिलता था तो इस सबका क्या है कि एक बार इनपुट करेंगे आउटपुट बढ़िया मिलेगा मेंस एग्जामिनेशन में भी जब आप लिखने जाएंगे तो अगर आपको डेट और ये सब पता है तो बहुत अच्छा आंसर निकलेगा आपका ठीक है तो इसी तरीके से पढ़ना है ठीक कुछ कन्फ्यूज़न अच्छा ये तो सेव कर दें अरे यार तो गो हाँ अच्छा एक सिक्स हाँ पूना पैक्ट पूना पैक्ट एस वोट फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस क्लास इट्स को वॉज रिजेक्टेड तो रिजेक्टेड है नहीं थ्री टू एंड वन एंड टू अब आ जाए ट्वेंटी में थ्री हम्म अब सबमिट कहाँ से होगा ये पूरा हंड्रेड पे चले जाके सेव कर दें ये हो गया सेव सही अच्छा ये अच्छा हो गया सबमिट दो क्वेश्चन गलत हो गए एक तो वो गलत हुआ होगा जो इसमें लिखा हुआ है आ, 1773 वाला एक कहीं कुछ गलत हुआ होगा कहाँ गया यार ये अच्छा और ऊपर अच्छा क्वेश्चन एनालिसिस अच्छा फैक्ट्री एक्ट वाला अच्छा ये हम लोग वो कर दिए ना इसमें डी लगा दिए थे द इंडियन फैक्ट्री एक्ट ये तो वीकली हॉलीडे नहीं वीकली हॉलीडे तो एटीन नाइन्टी वन वाला प्रोवाइड किया था इंडियन फैक्ट्री और ये भी किया था सेवन आवर वर्किंग चलो ठीक है तो फैक्चुअली इसको तुम लोग देख लेना फैक्ट्री एक्ट वाला और वो एक तो सेवनटीन सेवेंटी थ्री वाला तो सेवनटीन सेवेंटी थ्री वाला वो ध्यान रखना वो सेवनटीन एटी फोर में वो रहेगा ये तुम लोग को मिलेगा नहीं क्या ये ये पीडीएफ होगा पीडीएफ हाँ कर लो 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 देख लो पढ़ लो तो, <laughs> एक कमेंट लिखी है सर आपके बाल बहुत जड़ गए हैं <laughs> होप आपकी शादी हो गई है <laughs> कोरिलेशन देखो रिलेशन इज द बेसिस ऑफ सुपर स्टीशन इज द बेसिस ऑफ साइंस को बेसिस ऑफ सुपरेशन बाल झड़ना शादी होना ठीक <laughs> है पढ़ लो मैक्सिम सेवन टू नाइन ईयर्स और मिनिमम uh, एज कर दिया था यह इतना डिटेल नहीं थोड़ा थोड़ा जैसे कि एस एस बंगाली का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है ये इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में और एम एम लोखंडे जो हम लोग पढ़े थे बी पी वादिया ये सब का तो इनको रिलेट करके चलना कि कैसे कैसे एक चैप्टर तो हम लोग में होगा लेफ्ट मूवमेंट और लेबर यूनियन तो लेफ्ट और लेबर यूनियन को मिक्स करके चलते रहना और गवर्नर जनरल के साथ पढ़ना है एक एक वाइट पेपर में ए फोर शीट में गवर्नर जनरल का टेन्योर लिख लो और बगल में रखे रहो मॉडर्न जब पढ़ते हो तो एक बार देखते रहो क्या चाहिए नाइनटीन तो सिक्सटीन है तो कौन सा गवर्नर जनरल होगा नाइनटीन ट्वेंटी है तो कौन सा होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के ठीक कोई कन्फ्यूजन ठीक है ढंग से तैयारी कीजिए और फिल्म निकलने लायक तो लगता है सब मटेरियल यहाँ पे है कि फिल्म निकल जाएगा पहला अटैम्ट है कौन सा अटैम्प्ट सेकंड आपका फर्स्ट आपका सेकंड आपका कौन सा था फर्स्ट आपका थर्ड आपका अच्छा सिर्फ फॉरेस्ट का दे रहे हैं सिविल का फोर हो चुका सिविल अच्छा फोर अभी प्रिलिम्स क्वालिफाई कौल। कि नहीं हाँ तो बढ़िया चीज़ तो इस बार भी क्वालिफाई करेंगे आप बढ़िया इस बार स्ट्रेटजी है फॉरेस्ट का दे लीजिए कई सारे लोग ऐसे करते हैं कि फिर ये वाला स्किप करके जब एज लिमिटेशन वो नहीं होता है ठीक तो चलिए बेस्ट ऑफ लक आप लोग पढ़िए बढ़िया से ठीक ओके Gracias.